गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं सभी भाई जल्दी आ जाइए फ्यूचर डॉक्टर सर ह्यूमन हेल्थ और स्ट्रक्चरल की एनिमल की पीडियम ठीक है आज पहुंच गई होगी आपके पास गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो बच्चों अगर आप देखें तो ये चैप्टर तो वैसे आसान है लेकिन आप देखिए नीट दो में चार क्वेश्चन आए थे इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो एक दे एक दो लाइन जो जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होगी उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए भाई ऐसे जीना है एक छाप छोड़नी है अमिट छाप जैसे कि नीट 2022 में सफलता एम बी बी एस की सीट वाह 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 जोक नहीं शायरी नहीं है भाई ये आपके लिए एक मिसाल बनाने वाली कविता है और आप मिसाल बनाइए मिसाल छोड़िए 2022 में लोगों को दिखाइए कि आप कर सकते हैं और उसके लिए भाई आपको परिश्रम करना पड़ेगा चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजी फॉर एनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पेज नंबर बेटा कम है चौदह है एक सौ पैंसठ से लेकर एक सौ अठहत्तर टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पच्चीस जिसमें से चार क्वेश्चन ही आपका आ गया था नीट दो हजार इक्कीस में देखते हैं इंपॉर्टेंट पेजेस तो बेटा देखो पेज नंबर वन सेवेंटी सेवन जिससे अभी तक छः क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दो हजार इक्कीस में भी यहाँ से क्वेश्चन था मैचिंग टाइप का था एक सौ छिहत्तर से भी देखिए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है पांच क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सड़सठ अड़सठ से भी बेटा 2021 में क्वेश्चन आया है और 174 से भी बेटा 2021 में क्वेश्चन आया है तो अगर देखा जाए तो अगर इसमें टोटल पेज से चार हटा दीजिए तो बाकी सारे पेज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे लेकिन आपके जो वन सेवेंटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टेस्ट का टाइमिंग होता है बेटा दो से पाँच और अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं आप जो भी टेस्ट को परचेज़ करना चाह रहे हैं अगर ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो न्यूलाइड इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम प्रेप ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से ठीक है वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद जो भी वेरियस टाइप के टेस्ट हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं फ़िलहाल ये जो रिविज़न चलता है एन लाइन बाई लाइन सीरीज का ये चलता है यूनिट वाइज़ बायो रिविज़न टेस्ट सीरीज का जिसमें यूनिट वाइज़ बायोलॉजी का टेस्ट होता है जिसका हम लोग लाइन टू लाइन एन कराते हैं पी कराते हैं रैपिड फायर कराते हैं और टेस्ट का डिस्कशन भी यूट्यूब पर कराते हैं प्राइस नॉमिनेल है बेटा आप वहाँ से देख लेना बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है आपको उस प्राइस में इतना सारा चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको लगेगा हाँ प्राइस ज़्यादा नहीं है ए टी एस मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है और टी टी मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होता है ठीक है तो बेटा हमें चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है तो चैप्टर का नाम है बेटा आपका स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन खाने की कमी हो गई थी तो खाने की कमी हो गई तो नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए भाई तो जो जो टेक्नोलॉजी आई जो वर्ल्ड का फूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया था जैसे कि एक आएगा आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा एनिमल हस्बेंड्री की टेक्निक ठीक है नए नए टेक्निक एनिमल हजबेंड्री यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे सेवरन न्यू टेक्निक्स लाइक इम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ये क्वेश्चन बन सकता है एंड टिशूकल्चर टेक्निक्स आर गोइंग टू प्ले आ पाइवेटल मतलब ये धूरी की तरह काम करेगा जिसके इर्द गिर्द पूरा ये आपका स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन घूमेगा रोल इन फर्दर इहेंसिंग फूड प्रोडक्शन तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चा बताइए कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी हैं जो बहुत तेज़ी से फूड प्रोडक्शन में इन्हेंस करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जा सकता है तो इम्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एंड टिशूकल्चर आप कहोगे सर आप ये सब है क्या ये सब हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे ठीक है अब आता है बेटा नेक्स्ट बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है बाकी कुछ नहीं एनिमल हजबेंड्री तो जैसे ये वर्ड आता है तो लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ है कि जो हमें नहीं पता है हमें लगता हर किसी को पता है चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट अगर इसका हम हिंदी लिख लेते हैं पशुपालन ठीक है ऐसे पशुओं का पालन जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ठीक है जैसे मिल्क लेना है कि उनके मीट को खाना है ये सब आएगा बेटा आपका एनिमल हस्बेंड्री में तो एनिमल हजबेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक लाइव स्टॉक में तो भाई ये लोग जिंदा पशु हैं मरे तो हैं नहीं इसलिए लाइव स्टॉक बोलते हैं नहीं बेटा गौरव सबका होगा हाँ पशुपालन क्या होता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जैसे आप डेयरी फार्म जाते हो जहाँ पे बोलते हो ना कि ये तबेला है हिंदी में बोलते हैं तो भी एक प्रकार का पशुपालन ही है तो एनिमल हजबेंड्री में क्या होगा प्रैक्टिस किया जाएगा और ब्रीडिंग की जाएगी और उगाया जाएगा कौन से लाइव स्टॉक को एज रिजल्ट इट इज़ अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इज एज मैच साइंस एज इट इज आर्ट तो भाई ये कला है एक प्रकार की ये वाइटल स्किल है फार्मर्स की ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ये वाला पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है एनिमल हजबेंड्री डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलोस काउज पिक्स हॉर्सेस कैटल सीप कैमल्स गोड्स एट्सेट्रा तो एनिमल हस्बेंड्री जैसे हम लोग सोचते हैं ना बेटा हमारे दिमाग में दो ही पशु आते हैं गाय और भैंस नहीं ऐसा नहीं है इसमें आप डिफरेंट काइंड के एनिमल्स जैसे कि पिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो हॉर्सेस कैटल्स में सीप कैमल्स गोट इन सब का भी हम लोग ब्रीडिंग और केयर कर सकते हैं ब्रीडिंग मतलब इनकी नई नई किस्में बनाना और केयर मतलब उनका देखभाल करना ठीक है कब का हुआ था डेट बताओ फिर भिजवाएं आपको टेस्ट के पहले बताओ कौन से टेस्ट का एटसेट्रा दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन और बेटा ध्यान रखना ह्यूमन तो लालची होता है वो वही काम करेगा जो उसके लिए यूजफुल होगा अब देखो एनिमल हजबेंड्री में शुरू में आपके जो या तो उनसे कोई प्रोडक्ट निकलता था कैटल वगैरह या उनके कैटेगरी के थे लेकिन बेटा बाद में इसको एक्सटेंड करके इसमें पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज को भी इंक्लूड कर दिया गया पोल्ट्री फार्मिंग मतलब पशु जो आप बर्ड चिकन उनका पालन करते हो पोल्ट्री फार्मिंग आता है अब मछलियों वाला कैटेगरी किस में आती है फिशरीज़ में तो आप बताइए एनिमल हजबेंड्री एक ब्रॉड टर्म हो गया जिसमें आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट एंड पीसीकल्चर यानी फिशरीज भी करेंगे ठीक है तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट रहा खाली बस और कुछ मत पढ़िएगा सिंपल सा याद से याद करिएगा हालांकि क्वेश्चन यहाँ से मुश्किल ही आए अब फिशरीज़ की बात करते हैं तो कहते हैं फिशरीज मतलब खाली फिश मछलियाँ नहीं भाई ऐसा नहीं है इसमें मछलियों के साथ साथ केकड़े मुलस्कन क्रैब क्रस्टेसियन सब आ जाएंगे तो फिशरीज इंक्लूड रियरिंग कैचिंग एंड सेलिंग रेयरिंग मतलब उनको उगाना कैचिंग पकड़ना सेलिंग मतलब बेचना ऑफ फिश मुलस्क मल्क मतलब सेल फिश एंड क्रस्टेशियन में प्रॉन एंड क्रैप्स ये हर कोई खाता ही आपको पता ही होगा तो इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फिसरीज में खाली मछलियाँ नहीं होंगी याद रखना एफ एल टी टेन हाँ मिल जाएगा भाई सारा हुआ है गौरव चंदल अब छः अप्रैल अभी कहाँ ढूंढने जाएंगे आपको आ, कमेंट करना वहाँ पे लिंक दिया प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ठीक है हुआ है सारा सिंस टाइम इन मेमोरियल एनिमल्स लाइक बीज सिल्क वर्म प्रॉन्स क्रैब फिशेस बर्ड्स पिक्स कैटल सीप एंड कैमल्स हैव बीन यूज बाई ह्यूमन्स फॉर प्रोडक्ट लाइक मिल्क एग मीट वुल, सिल्क हनी एट्सट्रा तो आपको पेपर लिखना नहीं है तो मत याद करो आपको भी पता होगा जब अगर एग्जाम में आएगा भी ऑप्शन में तो आपको नहीं पता होगा ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है तो जो भी कुछ प्रोडक्ट देगा या दूध दें या मिल्क दें या मीट दें या अंडा दें या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दें वो आपके लिए क्या होगा वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा चलिए इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन ए लाइन क्वेश्चन बनेगा आपका इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना तो बेटा मोर देन सेवेंटी परसेंट जो टोटल वर्ल्ड का लाइव स्टॉक है वो इंडिया और चाइना में है तो लोग कहेंगे क्या बात है भाई इंडिया चाइना तो काफ़ी समृद्ध है काफ़ी चीज़ें इनके पास हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है लेकिन इनके पास जो ब्रीड या किस्में हैं या इनकी जो करने का तरीका है वो गलत है मतलब प्रैक्टिस जो कर रहे हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट या पोल्ट्री फार्मिंग जो भी है वो पुराने तरीके से कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है तो मोर देन सेवेंटी परसेंट लाइफ स्टॉक होने के बावजूद भी इंडिया चाइना में बेटा इनका जो प्रोडक्शन रेट है वो ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट है सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज़ ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट एकदम उल्टा है पूरी दुनिया में वर्ल्ड लाइव स्टॉक क्या होगा 25 परसेंट के आसपास होगा लेकिन उनका प्रोडक्शन 70 परसेंट से ज़्यादा है ये है उल्टा काम ठीक है भाई तो क्या याद करोगे वर्ल्ड लाइव स्टॉक इंडिया और चाइना में कितना है मोर देन 70 परसेंट लेकिन इनका प्रोडक्शन कितना है वनली 25 परसेंट टोटल तो वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस का इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज़ वेरी लो हैंस इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टाइज ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर क्यों क्योंकि ये बेटा जो पारंपरिक कन्वेंसनल प्रैक्टाइज मतलब पारंपरिक पुराना तरीका अपनाते हैं एनिमल ब्रीडिंग और केयर का इनको अब जरूरत पड़ेगी क्या न्यूअर टेक्नोलॉजी आल्सो हैव टू बी अप्लाइड टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी तो इस चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है कि है किसान आप ऐसी ऐसी ब्रीड यानी किस्में का इस्तेमाल करिए और ऐसे प्रकार से आप खेती या इस प्रकार से आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट करिए नहीं तो पुराने तरीके से करोगे तो आपको प्रोडक्ट उतना क्वालिटी वाला और क्वांटिटी वाला नहीं मिलेगा तो यानी यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की दो चीज़ देखेंगे कहीं पे भी आए ये पौ याद रखना क्वांटिटी और बटा क्वालिटी क्वालिटी भी अच्छा हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो ये दो बड़ा वो याद रखिएगा अ प्रोफेशनल अप्रोच टू वाट है ट्रेडिशनल प्रैक्टासेस ऑफ फार्म मैनेजमेंट गिव्स द मच नीडेड बुस्ट टू अवर फूड प्रोडक्शन लेटेस्ट डिस्कस सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर इम्प्लॉयड इन वेरियस एनिमल फार्म सिस्टम्स तो भाई समय के साथ साथ धीरे धीरे किसानों ने भी नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है उनका जो फूड प्रोडक्शन था वो बढ़ गया सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट चलिए अगर इसको आप पढ़ लोगे तो आगे चल के आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट हो सकता किया जा सकता है बिजनेस पर्पज पर से राइट डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन तो आप कहेंगे इसमें कौन कौन से एनिमल आएंगे ऐसे एनिमल जो दूध और दूध से बने उत्पाद उसके लिए रेज करना होगा डेयरी फार्म मैनेजमेंट में और दूध से बने उत्पाद तो आपको पता होगा जैसे सबसे खास आज आपका पनीर है दही है योगर्ट है आपके छाछ है मट्ठा है कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डेयरी तो भाई मोर कॉमन आपके क्या होंगे गाय और भैंस इंडिया में तो यही कॉमन है वाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्राम मैनेजमेंट ये तो छोटे बच्चों के लिए दिया जाएगा आपको नहीं मालूम है क्या डेयरी से यानी दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज इल्ड एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क तो भैया इल्ड मतलब की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने वाला काम किया जाएगा हाँ डेयरी फार्म खोलो भाई बढ़िया है हमको बुलाना मिल्क ईल्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म ये बड़ी अच्छी लाइन नहीं कहते हैं कि मिल्क यील्ड मतलब दूध देने का जो पैदावार है वो कैसे डिपेंडेंट होता है कि कौन देगा कैसे तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझाऊंगा गांव वगैरह हो गए या आपने कभी नाम सुना होगा तो एक गांव की भैंस है और एक मुर्रा भैंस का नाम सुना होगा तो जरा बताइए गांव वाली जो भैंस है और जो मुर्रा भैंस है दोनों अलग अलग ब्रीड है अब बताइए इसमें से पैदावार कौन ज्यादा करता है मतलब दूध कौन ज्यादा देता है बताइए मिल्क कौन देता है दूध कौन देता है भाई मुर्रा देसी वाला कम देता तभी तो मुर्रा बनाया गया होगा तो इसका मतलब जैसा जैसा ब्रीड बनाया गया होगा तो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है आपका तो, तो मिल्क प्राइमरली ये वो लाइन अच्छी है डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म किस क्वालिटी का ब्रीड है फार्म में उससे डिपेंड करेगा बेटा आपका मिल्क इल्ड ठीक है ना सिंपल सी बात सेलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई इल्डी पोटेंशियल अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया देखिए हर ब्रीड का हर एरिया में ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप का रिजल्ट आए हो सकता है कोई ब्रिड कोई ज़्यादा गर्म जगह पे उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा हो लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर वाले जगह पे हो तो हो सकता है अच्छे से वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कर रहा हो साथ ही साथ कंबाइंड विद रजिस्टेंट टू डिजीज़ इज द वेरी इम्पॉर्टेंट भाई देखिए हाई इल्डिंग पोटेंशियल के साथ साथ यानी ज़्यादा पैदावार करने के साथ साथ डिजीज रजिस्टेंट भी होना बहुत ज़रूरी है ठीक है ना फॉर द दिल्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल हैव टू बी वेल लुकड आफ्टर और कहते हैं अगर आपको भैया आप पैदावार बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है उसका देखभाल अच्छे से करो ऐसा नहीं कि छोड़ दिए यहाँ के डेयरी फार्म मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं गाय भैंसों को रोड पे छोड़ देते हैं वो रोड पे घूमते रहते हैं कचड़े खा खा के और भी बहुत सीधे होते हैं खा पी के चले जाते हैं अपने डेयरी फार्म में जाके वहाँ दूध दे के चले जाते हैं तब उससे क्या पैदावार होगी ना क्वालिटी का उसको खाना मिल रहा है ना कुछ ना उसका प्रॉपर प्रो, केयर मिल रहा है तो वेल लुक्ड ऑफ्टर मतलब अच्छे से देखभाल करो ए लगा के दो इनको हाँ भाई और क्या ए दो इनका जो घर है टीन सेड है जो बनाया हुआ टीन सेड का या किसी का उसमें साफ सफाई रखो ऐसा नहीं कि पूरा गोबर फैला हुआ है और ज़्यादातर डेरी डेयरी फार्म अनेजमेंट में जाइए ज़्यादातर पशुपालन या जहाँ पे भी जाइए तबेले पे जाइए कोई ऐसा तबेला नहीं जो गोबर गोबर से भरेला नहीं हाँ तबेला है कि गोबर का भरेला है आई डोंट दे हैव टू बी हाँ मैं देखा हूँ अभी अभी मेरे घर के पास ही थोड़ी दूर पे है एक तबेला भाई उसमें तो हमको लगता है कि गोबर कम भैंसे ज़्यादा कि भैंसे कम गोबर ज़्यादा समझ में नहीं आता दे हैव टू बी हाउसड वेल यानी उनको घर अच्छा से दो शुड हैव एडिक्वेट वाटर पानी भी सही पर्याप्त दो एंड भी मेंटेन डिजीज फ्री और उस इन्वायरमेंट को डिजीज फ्री रखो और आपने तो गोबर भर भर के भर भर के डिजीज वहाँ पे बढ़ा ही रहे हो नहीं मेरे घर पे नहीं है भाई घर पे नहीं है काश होता ठीक तो है तो बेटा यहाँ से ये सब कहानियाँ यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाएगा वो बनाएगा भाई तुम बता ले जाओगे कि हाँ भाई सही बात है अच्छे से देखभाल करना है अच्छे से पानी खिलाना है खाना खिलाना है डिजीज फ्री बनाना है डॉक्टर से चेकअप अच्छा कराना है ठीक है उस जगह का पूरा अच्छे से सफाई करनी है क्लास नाइन्थ में पढ़े हो आप लोग ये सब ये सब क्लास नाइन्थ की कहानी है तो द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल इंफेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फोडर इवन जो उसको चारा देना है यहाँ पे चारा कैसे देते हैं कचड़ा जाके गाय खा के जाती है नहीं भैया ऐसे नहीं करना चारा देना है कितना देना है ये भी मेंटेन होना चाहिए कितना उसमें प्रोटीन होना चाहिए कितना फाइबर होना चाहिए सब कुछ वो डॉक्टर बना के दे के जाएगा आपका वेटनेरियन डॉक्टर आता है इसका नहीं बोलते हैं पशु डॉक्टर तो डॉक्टर आके विजिट करेगा चार्ट बना के जाएगा हर गाय भैंस के अकॉर्डिंग जैसे उसकी बॉडी वेट होगी उसके हिसाब से उसका डाइट प्लान बनाएगा जैसे हम लोग का डाइट प्लान बनता है वैसे उनका भी डाइट प्लान बनता है ऐसा नहीं कुछ भी मन मर्जी से खिला दीजिए आप नहीं नहीं जो रियल में डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं वो पशुपालन केंद्र में अपने डॉक्टर की विजिट रखते हैं रेगुलर और वो पूरा देखता रहता है कि कैसे मेंटेन करना है क्योंकि भाई सबके खाना खाने की रिक्वायरमेंट अलग है ह्यूमन है ना तो ह्यूमन की खाना खाने की रिक्वायरमेंट एक जैसी क्या अलग अलग है ना तो ये सब कहानी बेटा आप देख लीजिएगा मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको पढ़ना चाहिए अब बस खाली यहाँ पे निकल के क्या आता है कि भाई आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान रखना है सफ़ाई पे ध्यान रखना है प्रॉपर डाइट देना है प्रॉपर पानी देना है डिजीज फ्री रखना है डॉक्टर की विज़िट करते रहना है और साथ ही साथ हैंडलर मतलब होता है कि जो वहाँ पर उनके पशुओं के देखभाल के लिए जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों जो पशु है वो भी डिजीज फ्री रहना चाहिए और जो हैंडलर है यानी उसका जो देखभाल कर रहा है वो भी डिजीज़ फ्री होना चाहिए तभी देखिए आजकल के दौर में लोग ज़्यादातर मैकेनिकल कर रहे हैं ह्यूमन वर्क कम लगा रहे हैं ऐसे कामों में डायरेक्ट मशीन के जरिए करते हैं कहते देखो हमारे यहाँ सारा काम मशीन के ज़रिए हो रहा है हमारा दूध महंगा मिलेगा क्योंकि ये हमारा दूध क्या बहुत प्योर क्वालिटी का है ठीक है आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई गाय गोबर ऐसे गिरने वाला होता तब तक मशीन पहुंच गई कंटेनर लेके भर गया उसमें ठीक है तो जितना ह्यूमन हैंडलिंग कम होगी मिकनाइज होगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा चलिए भाई अब आता है बेटा आपका पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट बेटा पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स तो बेटा डोमेस्टिकेटेड बर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए फूड मतलब ये आपका आ गया ब्रॉयलर कैटेगरी में किस कैटेगरी में ब्रॉयलर और एग एग के लिए कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लेयरर्स ठीक है और बेटा अगर ये जो पशुपालन वाले में था इसमें अगर दूध के लिए करते हो मिल्क तो ऐसे ब्रीड के हम लोग बोलते थे मिल्च ब्रीड मिल्क नहीं मिल्च ब्रीड ये मिल्क के लिए था और अगर उसको आप अपने खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो जैसे हल जोतने के लिए ये सब काम के लिए तो उसको बोलते हैं ड्रॉट ब्लेट फॉर लेबर वर्क ठीक है तो भाई ब्रॉयलर जो आप मीट के लिए चिकन खाते हो ब्रॉयलर कैटेगरी में आएगा और जिनका अंडा आप खाते हो वो लेरस की कैटेगरी में आएगा दे टिपिकली इंक्लूड चिकन डक टाइम टर्की एंड गीज तो इंडिया में तो ज़्यादातर तो चिकन का इस्तेमाल करते हैं दूसरे नंबर पे अगर आता है तो डक लेकिन और भी कंट्री वगैरह में टर्की गीज इन सब का भी इस्तेमाल करते हैं गीज बेटा काले हंस को बोलते हैं द वर्ल्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रिफर्ड द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स बट इन अ मोर जनरल सेंस इट मे रिफर टू द मीट ऑफ अदर बर्स टू पोल्ट्री में हम लोग बेटा ज़्यादातर इन्हीं बर्ड का मीट को इंक्लूड करते हैं लेकिन और भी बर्ड के मीट को इंक्लूड किया जा सकता है लेकिन मेन यही है चिकन मेन है इंडिया में डक है दूसरे नंबर पे बाकी और कंट्री वगैरह को जोड़ दो तो वहाँ पर टर्की और घीज भी इस्तेमाल होता है एज इन डेयरी फार्मिंग सलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड जैसे हम लोग डेयरी फार्मिंग में एक डिजीज फ्री और अच्छे से ब्रीड का क्या करते थे चैन करते थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन प्रॉपर फीड वाटर पूरी दुनियादारी यहाँ पे भी वही करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि मुर्गों को भी तुम ऐसे छोड़ दो उनको भी आपको बीमारी फ्री रखना पड़ेगा लेकिन मैं जो आपको बताना चाहूँगा कुछ बीमारी होती हैं जैसे आपने अभी भी सुनते हो पिछले साल जब करोना आया था तब भी ये आया था बर्ड फ्लू क्या सुना था बेटा आपने बर्ड फ्लू बताइए किस वायरस से होता है बर्ड फ्लू नहीं एच वन एन वन तो स्वाइन फ्लू होता है बेटा लेकिन ये होता है एच फाइव एन वन वायरस एच फाइव एन वन वायरस एच वन एन वन तो बेटा आपका स्वाइन फ्लू होता है जिन लोगों ने एच वन एन वन लिखा है उनका गलत हो गया एच वन एन वन बेटा आपका स्वाइन फ्लू होता है ध्यान रखिएगा एक बेटा एक बार और आया था क्वेश्चन पी वाई क्यू में आया था रानी खेत डिजीज रानी खेत डिजीज इसको बोलते हैं बड़ा न्यू कैसल डिजीज भी बोलते हैं न्यू कैसल डिजीज भी बोलते हैं ठीक है ठेके? ये भी बेटा आया था इसका वायरस लिख लो पैरामिक्सो वायरस तो ये दो वायरल डिजीज आपका पूछा जा चुका है तो आपको याद होना चाहिए स्वाइन फ्लू जो ह्यूमन में होता है वो बेटा आपका H5 फाइव हाँ एच से होता है ये ह्यूमन में होगा हो चुका है और इसका जो वायरस होता है हो, वो होता है बेटा एच वन एन वन यानी सब भाई बंधु उसी कैटेगरी के हैं हाँ भाई वायरस होता है और ये आया हुआ था तो रानी खेत डिजीज या न्यू कैसल डिजीज पैरामिक्सो वायरस से होता है ठीक है बर्ड फ्लू तो आपको पता ही था तो फिर कहते थे अगर बर्ड फ्लू हो गया तो चिकन का उपचार कैसे करोगे तो कुछ नहीं उनको क्या करते थे लोग एक गड्ढा बना के उसमें ढक देते थे तो लोग कहते थे देखो बर्ड के ऊपर क्या हैं अत्याचार कर रहे हैं अरे काहे का अत्याचार उसको मार के तो खाते ही हो तो काहे का अत्याचार और वो तो मान लो बचा भी रहा है बेचारा मान लो हजार बर्ड हैं कुछ बर्ड को हो गया तो उनको अगर मार के दफनाओगे नहीं तो बाकी में भी फैल जाएगा तो टीवी पे आपने सुना होगा यस अशोक यू आर राइट बच्चा पैरामिक्सोवायरस वायरस एक पूरे ग्रुप है उसमें एक ग्रुप होता जो वायरल इन्फेक्शन पैरोटिड नामक सेलेवरी ग्लैंड का करता जिसको बोलते थे मम्स एनिमल ब्रीडिंग अब ब्रीडिंग कैसे करोगे कुछ नहीं भाई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको बस क्या करना है ब्रीडिंग करने के लिए यहाँ पर लाइन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि पिछली बार नहीं आया था तो वेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग वाइल क्रॉसेज बिटवीन डिफरेंट ब्रीड आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग भाई सेम ब्रीड में क्लास करोगे तो क्या कराएगा इन ब्रीडिंग और डिफरेंट ब्रीड में करोगे तो क्या कहलाएगा आउट ब्रीडिंग चलिए ठीक है इन ब्रीडिंग में क्या होगा <coughs> नाम ही दे रहा है इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग रिफर टू द मेटिंग मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर फोर टू सिक्स जनरेशन कहते हैं सेम ब्रीड में बहुत क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल का कितने जनरेशन तक करते हैं चार से छह जनरेशन तक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो याद रखना जैसे कि बेटा आपका दो हम ब्रीड ले, ले लेते हैं एक मेल और एक फ़ीमेल जैसे हमने लिया एक काऊ आपके जैसे आपके तबेले में काऊ थी उसका आपका मिल्क क्वालिटी और मिल्क क्वांटिटी पर इल्ड ज़्यादा था वो एक दिन में 10 से 15 लीटर दूध देती तुम कहें बहुत अच्छी गाय भाई से मान लो गाय मान लो बहुत अच्छी गाय है और एक मेल काऊ था जो डिजीज रेजिस्टेंट था और उसकी क्वालिटी अच्छी थी उसके मीट अच्छे थे तो आप क्या करोगे दोनों को सेलेक्ट कर लोगे सेम ब्रीड के हैं दोनों अब दोनों का आपस में क्या कराओगे क्रॉस करोगे ए इनब्रीडिंग हो गया सेम ब्रीड हो गया अब उनके जो भी बच्चे आएंगे मान लो चार पांच बच्चे पैदा करें उनके अब उनमें से जो सुपीरियर होंगे उनमें से जो अच्छी क्वालिटी वाला मेल होगा और उनमें से जो अच्छी क्वालिटी वाला फीमेल होगा फिर उसका आपस में क्रॉस कराओगे फिर उनके बच्चे फिर उनमें से जो सुपीरियर होंगे उनका क्रॉस कराओगे फिर उनके बच्चे फिर उनमें से जो सुपीरियर होंगे उनका क्रॉस कराओगे तो कितने जनरेशन तक जाएगा चार से छः जनरेशन तक तो इसमें क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन फिर हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन फिर हाइब्रिडाइजेशन फिर सिलेक्शन और बताइए अगर कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग होगा तो जाहिर सी बात है जो रिसेसिव कैरेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ती है और आपको पता है रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में एक्सपोज होते हैं तो इन ब्रीडिंग से क्या होगा जो हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि आप उसको चूज ही नहीं करोगे किसको चूज करोगे जो एकदम सुपीरियर होगा और कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग से क्या हो जाएगा होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी ये दो लाइन आपको आनी चाहिए हा, हा क्यों नहीं प्लेस का नाम है अब जरा बताइए भाई कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी तो जरा बताइए होमोजाइगोसिटी कौन बढ़ाएगा इन ब्रीडिंग किसको रिसीव रिसेसिव कैरेक्टर को क्या करेगा बेटा एलिमिनेट करेगा ये दो लाइन आपको याद होना चाहिए सुपीरियर हमेशा चूज करेगा तो द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज एज फॉलो सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स अब इनके जो प्रोजनी ऑप्टेंड होंगे इस मेटिंग से उनको इवेल्युएट करोगे और देखोगे इसमें कौन सुपीरियर फीमेल है कौन सुपीरियर मेल है और उनको आपस में क्रॉस करोगे अब सुपीरियर फीमेल कौन होगी जिसकी मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा होगी ये कितने जनरेशन तक करोगे चार से छः जनरेशन तक करोगे और अंत में आपको एक ऐसा ब्रीड मिलेगा जो क्या रहेगा होमोजाइगस होगा प्योर लाइन होगा और उसमें कोई भी रिसेसिव फार्म नहीं होगा तो आगे लिखा है अ सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल इन द काउ और बफेलो दैट प्रोड्यूस मोर मिल्क लैक्टेशन ऑन द अदर हैंड अ सुपीरियर मेल इज द बुल विच टू सुपीरियर प्रोजनी एज कंपेयर टू दोज ऑफ द अदर मेल इसके अंदरवाइज क्षमता होगी कि सुपीरियर प्रोजनी देता होगा जैसे आप लोग कभी कभी टीवी वगैरह में सुनते हो एक भैंस है बड़ा महंगी है एक डेढ़ लाख की करोड़ की भैंस है तो उसकी प्रोजनी काफ़ी अच्छी होती है अच्छा मोर मिल्क पर लैक्टेशन इसका मतलब क्या होगा बच्चा इसका मतलब होता है कि एक बार जब गाय भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है तो उनमें क्या होता है मिल्क फार्मेशन स्टार्ट हो जाता है अब भैया उस वो जो लैक्टेशन है उसको बोलते हैं लैक्टेशन अब हर गाय भैंस का लैक्टेशन पीरियड अलग अलग होता है मान लीजिए कोई गाय भैंस है तो उसका लैक्टेशन पीरियड है टू मंथ यानी उसने दो महीने दूध दिया और एक गाय भैंस है आपके पास जिसका लैक्टेशन पीरियड है टेन मंथ तो जाहिर सी बात है कि जो दो मंथ वाला होगा इसकी मिल्क इल्ड क्या हो गई कम हो गई उनकी ज्यादा होगी भाई आपके पास तो फायदेमंद आप दस महीना दूध पियोगे खाओगे रहोगे समझ गए तो पर लैक्टेशन मिल्क ईल्ड को इसको बोलते हैं आपको याद होना चाहिए आपने बहुत सारे पढ़े होंगे लेकिन सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होता है आपका होलेस्टीन फ्रिजियन ये बेटा आपकी काऊ की ब्रीड है इसका मिल्क इल्ड सबसे ज्यादा है टिल डेट ठीक है होलेस्टीन फ्रेजियन ये आपको नाइन्थ क्लास में मिल जाएगा जब आप पढ़ोगे नाइन्थ क्लास की एन साइंस फ़िलहाल लेकिन आपको बस ये याद होना चाहिए इन ब्रीडिंग क्या इंक्रीज करेगा होमोडाइवसिटी क्या एक्सपोज करेगा हार्मफुल कैरेक्टर को और प्योर लाइन क्रिएट करेगा यही क्वेश्चन देखो आपका आया था ये आया है आपका नीट 2000 देखो कितनी बार आया 2019 और 2017 में आया ये लाइन तो जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो आप अंडरलाइन करिए सिमलर स्ट्रेटेजी यूज फॉर द डेवलपिंग प्योर लाइन इन कैटिल एज वॉज यूज इनस ऑफ टी मेंडल ने भी तो ऐसे किया था कई जनरेशन तक क्रॉस कराया था इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग इनक्रीजेज होमोजाइगोसिटी दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाई सेलेक्शन हाँ भाई सबसे दूध देने वाली ब्रीड है फ्रीजियन इट आल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन सुपीरियर जीन एक्यूमुलेट होता जाएगा और लेस डिजायरेबल जीन आपका एलिमिनेट होता जाएगा रिसेसू जीन देअर फॉर दिस अप्रोच वेयर दिस इज द सेलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन ब्रड पॉपुलेशन तो भाई हर स्टेप में आपने क्या किया सुपीरियर को चूज किया है तो पॉपुलेशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी हाई इल्डिंग वाली However, continued कंटिन्यूड especially close inbreeding, क्लोज reduces fertility and even फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी आप कहते हैं लेकिन अगर बार बार बहुत क्लोज इन ब्रीडिंग आप कई जनरेशन तक करो तो कभी कभी ऐसा ब्रीड आ जाता है कि उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी घट जाती है कहते अरे ये क्या हो गया लगता है कि भाई ये क्या हो गया तो चार से छह जनरेशन तक कर रहे थे आप इन ब्रीडिंग किया तो मान लो छठे जनरेशन में ऐसा लगा कि भाई जो आपका प्रोजनी आया है वो तो ना उसकी अच्छी क्वालिटी है ना उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है जबकि आप कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि देखो एक्चुअली होता क्या है कि कॉन्टीन्यूस इन ब्रीडिंग से हो जाता है डिप्रेशन क्या हो जाता है डिप्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आप कहा गया इसके पीछे का रीजन क्या था तो रीज़न लोग लॉजिकल वे में साइंटिफिक वे में कम दे के लॉजिकल वे में ज्यादा देते हैं हालांकि साइंटिफिक वे में भी दिया जा सकता है लॉजिकल वे में मतलब समझ लो आप भी कोई काम कंटिन्यू एक काम लगातार करोगे तो कुछ समय बाद शुरू में तो मज़ा आएगा लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपको बोरियत होने लगेगी समझ रहे हो तो इस कारण से बेटा आपको क्या होता है डिप्रेशन हो जाता है तो ठीक उसी प्रकार से इनमें भी अगर कंटिन्यूस क्या होता है इनब्रीडिंग होती है तो नया वेरिएशन नहीं आता और जब नया वेरिएशन नहीं आता तो चीजें क्या हो जाती हैं थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती हैं फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है एक केस और मैं बता सकता हूँ कि अगर होमोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी कैपिटल टी हो और कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो हमेशा याद रखिएगा जो वेरिएंट यानी हाइब्रिड हैं ये सुपीरियर देन होता है बेटा आपका होमोजाइगस फॉर्म और इन ब्रीडिंग से क्या तैयार होता है प्योर लाइन तो याद रखिएगा हाइब्रिड फार्म इज ऑलवेज बेटर देन होमोजाइगस प्योर लाइन फार्म ये हंड्रेड परसेंट है हमेशा हर केस में आप दे सकते हो हाइब्रिड फार्म ज्यादा बेटर होता है प्योर लाइन फार्म से ठीक है अब भैया इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया कैसे हुआ कंटिन्यूस करने पे नीट 2015 में एक क्वेश्चन आया था अब भैया इसको हम लोग क्या करेंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं आउट ब्रीडिंग क्या करते हैं आउट ब्रीडिंग अब जैसे ही हम आउट ब्रीडिंग पढ़ते बेटा तो हमें आउट ब्रीडिंग में तीन टाइप याद होना चाहिए एक आउट क्रॉसिंग एक क्रॉस ब्रीडिंग और एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन अच्छा बताइए इन ब्रीडिंग आप कहां से स्टार्ट किए थे पहले जनरेशन से स्टार्ट किए थे पहले से दूसरा जनरेशन फिर तीसरा फिर चौथा फिर पाँचवा फिर छठा ऐसे तो चार से छह जनरेशन तक तो इनब्रीडिंग किए थे अब मान लो मुझे सेम ब्रीड में ही कराना हो क्रास ब्रीड नहीं बदलना हो सेम ब्रीड से ही मुझे इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर करना है तो मैं कैसे करूँगा मान लो पहला जनरेशन था इसके बच्चे आपस में क्रास हुआ तीसरा जनरेशन चौथा जनरेशन पांचवा जनरेशन और छठा जनरेशन इस छठे जनरेशन में बेटा आपका क्या आ गया इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया यहां पर आ गया इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यहां के जो बच्चे पैदा हुए वो बेचारे डिप्रेस हो गए यही तो हुआ अब बेटा बताओ अगर मुझे सेम ब्रीड में क्रॉस कराना होगा तो अगर मैं पांचवें से कराऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा भाई इसका मम्मी है पापा है गड़बड़ हो जाएगा दादा दादी होंगे पर दादा होंगे यानी ये सेम लाइन तो आ रही थी यानी इसमें कोई वेरिएशन थोड़ी ना होगा एक कॉमन एंसेस्टर देखें ना तो हमें क्या जाना पड़ेगा इसके पीछे तो कहते हैं इन ब्रीडिंग में अगर हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना है तो अगर सेम ब्रीड में कराना है तो चार से छः जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए और एक कॉमन एंसेस्टर वाली बात थी ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसके पीछे से करेंगे इतना है पीछे जाएंगे तब करेंगे ठीक है तो मान लो अगर यहां पे चौथे जनरेशन वाला होता तो इससे पीछे जाता और छठे जनरेशन वाला तो इससे पीछे जाएगा तो यही लाइन लिखी होगी आउट ब्रीडिंग इज द मेटिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रिड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर फोर टू सिक्स जनरेशन क्लियर? तो जरा बताइए ये फोर टू सिक्स जनरेशन का कॉमन एंसेस्टर क्यों नहीं था क्योंकि वो प्योर लाइन क्रिएट उसी कॉमन एंसेस्टर के जरिए बना था तो अगर उन्हीं से करा दोगे तो कोई नया वेरिएशन नहीं आएगा तो आउट ब्रीडिंग में एक मेथड आता है बेटा आउट क्रॉसिंग तो आपको क्या याद करना पड़ेगा आउट क्रॉसिंग इज द ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड बट नाट हैविंग एनी कॉमन एंसेस्टर फॉर एटलीस्ट फोर टू सिक्स जनरेशन अब उजर बट डिजीज तो क्रॉस के बाद ही लगेगी ना ये क्या है अरे क्रॉस करोगे क्रॉस करके जब बच्चे की ऐसे थोड़ी क्रॉस करते तुम्हें पता चल गया अरे जब वो बड़ा होगा तो तुम देखोगे यार ये जो हमारी पुरानी वाली गाय जितना दूध दे रही थी ये उतना नहीं देख दे रही है दूध तो तुमको समझ में आ जाएगा डिप्रेशन हो गया है कुछ गड़बड़ है ठीक है अब आता है बेटा अलग अलग, अलग, अलग ब्रीड में कराओगे तो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा और अलग अलग स्पेसीज में कराओगे तो कहलाएगा कर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन तो आउट ब्रीडिंग के तीन मेथड आउट क्रॉसिंग क्रॉस ब्रीडिंग इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग सेम ब्रीड बट चार से छह जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट ब्रीड सेम स्पेसीज और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट स्पेशज और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आउटब्रीडिंग के टाइप अब बेटा अगर हमें इन ब्रिडिंग डिप्रेशन को दूर करना है तो आउट क्रॉसिंग करा दो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रिड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर कैटेगरी अप टू फोर टू सिक्स जनरेशन तो फीमेल और मेल दोनों के दोनों तरफ कोई भी चार से छह जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए द ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज आउटक्रॉस इट इज द बेस्ट ए लाइन अंडरलाइन करिए इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल और सिंगल आउटक्रॉस ऑफ एन हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना है तो एक सिंगल आउट क्रॉस आप बेटा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर देता है यानी उसके अंदर कुछ नयापन आ जाता है क्रॉस ब्रीडिंग इसमें सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड और मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड तो क्रॉस ब्रीड में अलग अलग डिफरेंट ब्रीड को कंबाइन किया जाता है और जो प्रोजनी मिलेगी वो हाइब्रिड होगी और उसमें दोनों के करेक्टर मिलेंगे Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breed that may be superior to the existing breed. ये बड़ी अच्छी लाइन बोली इस लाइन को समझना तो जरा समझिए कि कहा गया है ऐसे देखिए एक आया बेटा आपका बीकानेरी ईव और एक है आपका मरीनो राम्स ये सीप की दो अलग अलग ब्रीड है इसका आपस में जब क्रॉस कराया तो क्या कहलाएगा क्रॉस ब्रीडिंग और जो बना इनका हाइब्रिड कंपाउंड कम, बना उसका नाम था हिजारडेल अब बेटा ये कहा जाता है जो हिजाडेल बना है क्रॉस ब्रीडिंग के बाद इसको आप यहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं। इसको कई जनरेशन तक जैसे उसमें हमने कराया था इनब्रीडिंग इन ब्रीडिंग इन कराना पड़ेगा इसमें भी यानी अब हिजाडेल जो आया ढेर सारी हिजाडेल बनी उसमें सुपीरियर मेल और फीमेल को आपने चूज किया फिर उसको क्रॉस कराया फिर उसके बच्चे फिर सुपीरियर को चूज किया उसका क्रॉस कराया क्या क्रिएट करोगे प्योर लाइन तो क्रॉस ब्रीडिंग तो आपने एक बार करा दिया लेकिन प्योर लाइन कराने के लिए फिर आपको इन ब्रीडिंग कराना पड़ेगा वही लाइन यहां पे जो लिखी है आई क्वेश्चन था ये 2020 में तो कहते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद भी आपको जो डेवलप्ड हाइब्रिड है उसको क्या करना पड़ेगा स्टेबल करना पड़ेगा उसके एलियस को या जीन को बताया तो भाई होलिस्टिंग फ्रीजियन मेनी न्यू एनिमल ब्रीड डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच हिजारडेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ सीप डेवलप्ड पंजाब भैया कहाँ डेवलप की गई थी पंजाब में बाय क्रॉसिंग बिकन एरी ईफ्स एंड मराइनो राम्स बिकन एरी ईप्स एंड मराइनो राम्स इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये पूछा जा चुका है हिजारडेल याद रखिएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ये दो में पूछा था इसमें मेल और फीमेल आप टू डिफरेंट लेकिन एक लाइन जो लिखी बेटा ये बहुत अच्छी लाइन है टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड आप तो समझ गए और क्या एक दो दिन में काम होगा ये भाई दस दस साल लग जाते हैं टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड तो बेटा जरा बताओ डिफरेंट स्पीसीज लेकिन रिलेटेड वर्ड क्यों रखा गया है कोई समझा सकता है एनी टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज तो भाई टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज मतलब जैसे टंकी एंड हॉर्स अलग अलग स्पीसीज लेकिन रिलेटेड है यानी सेम जीनस या सेम फैमिली के ग्रुप होना चाहिए ऐसा नहीं कि ह्यूमन एंड लायन का करा दोगे लायन एंड टाइगर ठीक है ऐसे रिलेटेड होने चाहिए अब इसी में बेटा एक बनाया गया म्यूल 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 बेटा इंसान तो जानते हो शैतान है ही है ये देखो म्यूल है बेचारा अब इसको म्यूल को देखो दिक्कत क्या है इसके साथ इसको बनाया गया था फीमेल हॉर्स मेल डंकी को क्रॉस करके मेल डंकी और फीमेल हॉर्स इनका क्रॉस करके बनाया गया था बेटा आपका म्यूल इसको बनाने के पीछे का देखो लॉजिक क्या था लोगों ने देखा कि गधा है उसके बाद दिमाग नहीं है लेकिन उसकी ताकत उतनी ज़्यादा नहीं है घोड़ा है उसके बाद दिमाग गधे से ज़्यादा ही है और उसकी ताकत भी ज़्यादा है लेकिन हम घोड़े पर काबू नहीं कर सकते गधे पर काबू कर सकते हैं तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा एनिमल बनाएं जिसमें ताकत हो घोड़े जैसी और दिमाग हो गधे जैसा बना लिया खच्चर बोलते हैं और बेटा ये इतना ज़बरदस्त प्राणी है पहाड़ों वगैरह पे जो सामान वगैरह लाने ले जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं बहुत सीधा है इसके दोनों तरफ अगर आप कोई भी गठरी लगा दो और इसको एक दो बार अगर रास्ता भी दिखाया होगा तो अपने आप चले जाएंगे आ जा चले आएंगे हाँ फीमेल हार्स एंड मेल डंकी कटरा है ऐसे बहुत सारे क्लास कराए गए थे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में जिसमें से एक एग्जाम्पल है बेटा आपका जैसे मैं लिखूंगा जो भी देखना लाइगर मैंने लिख लिया ठीक है अब जो लाइगर लिखा है ना तो एलआई लायंस आया है और गर आया है टाइगर से और पहला वर्ड जो रहेगा वो मेल का रहेगा और दूसरा रहेगा फीमेल का ठीक है ठीक है हम्म टाइगॉन टाइगॉन में क्या होगा मेल टाइगर फीमेल लायन तो बस ऐसे देख लेना जो पहला दो वर्ड रहेगा वो आपका मेल का रहेगा फिर बाद वाला फीमेल का रहेगा तो नाम अगर दिया जाए तो ऐसे ढेर सारा याद कर लेना कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमनेशन आप बेटा एक बात बताओ आपको अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नॉर्मल मेटिंग जानवरों में कराना बड़ा मुश्किल होता है द सीमेन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज़ चूजन एज पेरेंट एंड इंजेक्टेड इन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ़ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर द सीमेन मे बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज एट अ लेटर डेट इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फार्म टू द वेदर द फीमेल इज हाउस्ड तो बेटा आप एक आपको बोलते हैं ना इसको हिंदी में बोलते कृत्रिम गर्भाधान केंद्र तो आर्टिफिशियल इंसेमनेशन एक बेटर स्ट्रेटी होता है जिससे आप जल्दी से क्या कर सकते हो कैटल फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हो फायदा क्या रहेगा या तो आर्टिफिशियल केंद्र होते हैं इंसेमिनेशन केंद्र होते हैं वहाँ पे जाके आप कृत्रिम गर्भाधान कराइए या तो फ्रोजन फार्म में आप जहाँ पे फीमेल है वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं जहाँ उसका डेयरी हो इन दिस वे डिजायरेबल मीटिंग आर कैरीड आर्टिफिशियल इंसेमनेशन हेल्प्स अस ओवरकम टू सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मीटिंग नॉर्मल मेटिंग के जो कई सारे प्रॉब्लम्स थे उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ने क्या कर दिया खत्म कर दिया या ओवरकम कर दिया पूरी राम कहानी खत्म हो गई तुम पूछने आए हो एनिमल हजबेंड्री क्या है ऑफ एन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमनेशन इज कैरिड आउट कहते हैं सक्सेस रेट बहुत कम है इनमें ऐसा नहीं कि आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया उसके बाद भी आपको जरूरी नहीं है कि कंसीव हो जाए प्रेगनेंसी हो जाए तो अगर आपको बताओ बहुत सारे झुंड बनाना हो हर्ड बनाना हो तो आप कैसे बनाओ ऐसे आपने बना लिया एक सुपीरियर काऊ आपने डेवलप कर दिया लेकिन भाई आपके पास एक ही काऊ है ना अब उससे हज़ारों काऊ भाई डिमांड तो पूरे इंडिया में होगी या पूरे वर्ल्ड में होगी तो उससे हजारों काऊ या लाखों काऊ कैसे बनाओगे एक गाय अपने जीवन में कितने बच्चे दे सकती है चार पाँच और उसी क्वालिटी वाला चाहिए आपको इसके लिए बेटा एक टेक्निक यूज किया गया था ई टी टू इंप्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड अदर मींस आर आल्सो यूज इसी मात्रा बेटा ई टी -E इस साल आने की संभावना यहां से है ई टी -E से बोलते क्या है मल्टीपल ओवल्यूशन इंब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या बोलते भाई मल्टीपल ओवल्यूशन इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मल्टीपल अब इसको अलग अलग करके पढ़ो मल्टीपल ओवल्यूशन यानी एक बार में एक से ज्यादा ओवम या एग रिलीज होगा और उसका फर्टिलाइज करके ट्रांसफर करना है इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है याद करो इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो हमने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाया था जिफ्ट एंड आई यू टी अगर जायगोट या अर्ली इम्ब्रियो किस स्टेज में बेटा आपका एट ब्लास्टोमीयर से कम हो तो उसको फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते थे और अगर एट ब्लास्टोमीयर से ज़्यादा होता था तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते थे देखते हैं इन वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट हर्ड मतलब झुंड बनाना इन दिस मेथड अ काउ इज एंड एडमिस्टर्ड हार्मोन विद एफ एस एस लाइक एक्टिविटी आपको पता है एफ एस एस क्या करता था फॉलिकुलर स्टिमुलेशन कराता था हाँ भाई शुभम है र स्टमलेसन कराता था जिससे क्या होता था अगर एक बार में एक एग निकलना था तो उससे ज़्यादा निकलता था टू इंड्यूस मैचुरेशन एंड सुपर ओवल्यूशन इंस्टेड ऑफ वन एग विच दे नॉर्मली ईल्ड पर साइकिल अब बेटा यहाँ पे एफ जब देने लगते हो उस तरह का हार्मोन, तो यहाँ पे अंडे अब निकलते हैं छः से आठ क्या निकलते हैं सिक्स टू एट अब बेटा या तो इसको बुल से एक अच्छे बुल से उसकी मेटिंग करा दो या तो आप आर्टिफिशियल इंसेमनेसन करा दो एग अब जितने भी छः से आठ हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे अब फर्टिलाइज एग को डेवलपमेंट उस फीमेल काव में नहीं कराना है ठीक है एक तो छः से आठ अंडे हैं उस फीमेल काव में डेवलप भी नहीं कर पाएगा उसको आप क्या करो बेटा निकालो नॉन सर्जिकली रिमूव करो और हर अंडे को अलग अलग काउ में क्या कर दो इम्प्लांट कर दो और आपको पता है कि इसको बोलते हैं सरोगेसी टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं सरोगेसी टेक्नोलॉजी तो भैया क्या किया गया है एम ओ ई टी एफ एस एस एक्टिविटी दिया गया छः से आठ अंडा मिला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया फर्टिलाइज जो एक्ट थे कितने सेल स्टेट में आठ से बत्तीस सेल्ड स्टेज सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया गया अब आपको पता है सरोगेट मदर का कोई भी क्वालिटी का हो उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जो जीन है वो आपका जेनेटिक मदर जो थी जो सुपीरियर फीमेल का थे उसी का जाएगा बस इन लोगों का खाली इन्वायरमेंट दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए जेस्टेशन के लिए तो जो भी क्वालिटी आएगा वो जेनटिक मदर का आएगा फिर फीमेल तैयार है अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवल्यूशन उसको फिर से ऐसे करो छः से आठ अंडे बनाओ ऐसे आप कम समय में उसी काउ का ढेर सारी ब्रीड तैयार कर लोगे तो इसमें क्या क्या याद करोगे मल्टीपल ओवल्यूशन इम्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में भाई सुपर ओवल्यूशन कराना है आर्टिफिशियल इंसमेशन कराना है और एग को क्या करना है रिकवर करना है कितने सेल स्टेज में एट टू थर्टी टू सेल स्टेज नॉन सर्जिकली सर्जरी नहीं करना है और सरोगेट मदर में ट्रांसफर करना है और जेनेटिक मदर फिर अवेलेबल हो गई एनदर राउंड ऑफ सुपर ओवल्यूशन कम ही समय में आप उसी क्वालिटी के एक ब्रीड का क्या कर लोगे पूरा का पूरा झुंड बना लोगे स टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमॉन्स्ट्रेटेड फॉर कैटिलो मेयर एटसेट्रा हाई मिल्क ब्रीड ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी फीमेल में अगर देखना होगा तो वो क्या होगा हाई मिल्क होना चाहिए और अगर मीट खाना हो तो उसकी मीट कैसे होनी चाहिए लीन मीट लीन मीट होता है कम फैट वाला मीट इल्डिंग बुल्स है शॉर्ट है तो झुंड बढ़ाना है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है ज़रा बताओ भाई यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है एम e. आ जाएगा आउट ब्रीडिंग के टाइप्स आ सकते हैं और एग्जाम्पल आ सकता है एपी कल्चर बेटा प्रोडक्शन ऑफ हनी को बोलते हैं एपी कल्चर बी कीपिंग भी बोलते हैं इसका प्रोडक्ट याद कर सकते हो हनी बी का बी वैक्स होता है और हनी होता है बी वैक्स होता है और हनी होता है बी वैक्स बेटा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो मेन प्रोडक्ट कौन माना जाता है बी वैक्स लेबर इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है आप सिंपल सा जहां पर अपने खेती बाड़ी करते हो वहीं पे एक कॉटेज थोड़ा सा बना लो कुटूर उद्योग बोलते हैं ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं मतलब घरेलू उद्योग में आता है और बेटा इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि बी कीपिंग में कैसी मधुमक्खी का इस्तेमाल करना है और कौन सी मधुमक्खी किस प्रकार के फूलों पर जाके अपना नेक्टर कलेक्ट करती है बस इतना जानकारी हो जाए और साथ ही साथ ऐसी मधुमक्खी चूज करना होगा जो क्या हो कम डंक मारे लेस स्टिंगिंग हो और हाई हनी प्रोड्यूसिंग हो भाई हनी भी बी करो, कीपिंग करोगे तो कैसा चाहिए ऐसा डंक मारने वाली मधुमक्खी रखोगे तो एक आती बेटा एपिस मेलीफेरा एपिस मेलीफेरा बेटा आपका इटालियन बी है बड़ा इटालियन बी का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा फार एपीकल्चर क्यों क्योंकि डंग कम मारते लेस स्टिंगिंग है लेस स्टिंगिंग है और हाई हनी प्रोड्यूसिंग है हनी बेटा आपका पता होगा ये क्या करते हैं नेक्टर जो होता है फूलों के जो रस होते हैं उसको क्या करते हैं ये पार्सली डाइजेस्ट करते हैं तो हनी इज नथिंग इट इज़ द उल्टी ऑफ हनी बी हनी कुछ नहीं है भाई उल्टी ऑफ हनी बी है तो हम लोग क्या खाते हैं हनी बी की उल्टी खाती हैं होता है लेकिन आपका बेस्ट कौन है एपिस मेलीफेरा एपिस इंडिका इंडियन भी होती है एपिस डोरसेटा रॉक भी होती है एपिस फ्लोरी होती है बेटा लिटिल भी ठीक है अगर याद करना चाहो तो याद कर लो इस चैप्टर की कोई लिमिट नहीं है बेटा फिशरीज फिशरीज में बेटा ऐसा मत होना खाली मछलियाँ होंगी सब कुछ होगा ठीक है झींगा केकड़ा क्रैब मोलस्क सब आ जाते हैं एडबल एडबलोस्टर लोवस्टर सब आएंगे सम ऑफ द मरीन फिश अब इसमें बेटा एग्जाम्पल दिया जाता है पूछा जो जाता है वो पूछा जाता है फ्रेश वाटर फिश और मरीन वाटर तो फ्रेश वाटर में बेटा आपका कतला रोहू कामन कार क्लेरियस मांगूर आएंगे तो कतला रोहू कामन कार आपके दुकानों में मिल जाता है तो मतलब ये क्या है यहीं पे करके होंगी नदियों वाली होंगी और मरीन फिश में बेटा आपका हिलसा साडीन मैक्रेन एंड पम्फर्ट है तो आपको कैटेगरी याद होनी चाहिए कौन फ्रेश वाटर है कौन मरीन वाटर है तो कटला रोहू कॉमन कार्प हिलसा सार्डिन मैक्रेल एम पम्फ्रेट ठीक है ना बेटा यहां पे याद कर सकते हो एक बार क्वेश्चन आया था तो मैक्रेल में ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाएगा जो गुड क्वालिटी का फैट होता है नीट 2016 अब फिसरी भाई आपका एक इंडियन इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है फिशरमैन बेटा जो सी कोस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे पाए जाएंगे मछली पालन करेंगे अपने भी खाएंगे हमको भी खिलाएंगे। कोई इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है बस ये इंटरनल, ये है पीसी कल्चर कल्चर वर्ड हम दो तीन ठंड लिख देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला होगा तो पीसी कल्चर फिश के कल्टीवेशन के लिए है एपी कल्चर अभी था हनी बी के लिए कल्टीवेशन ऑफ हनी बी कल्चर। इसमें बेटा सिल्क वर्म का कल्टीवेशन कर सकते हो सिल्क प्रोड्यूसिंग वर्म और सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर बेटा कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है जो जंगल उगाना होता है वो कल, सिल्वी कल्चर में आता है ठीक है इतने कल्चर याद कर लो अच्छा यहाँ पे लिखा है पिस्सी कल्चर और एक्वा कल्चर में क्या डिफरेंस है तो पिस्सी कल्चर में फ़िश और रिलेटेड एनिमल का कल्चर किया जाता है और एक्वा कल्चर में जितने भी एक्वेटिक चीजें हैं उसका कल्चर किया जाता है यानी इसमें एनिमल और प्लांट दोनों आ जाएंगे एक्वा कल्चर में ठीक है एक्वा मतलब पानी पानी में जिसका भी उगाओगे पानी में आपने देखा होगा वाटर चेस्टनट भी उगाया जाता है वो भी एक्वा कल्चर में आ जाएगा ठीक है मैक्रेल में ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा प्लांट ब्रीडिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ऑनली इल्ड अ लिमिटेड बायोमास फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड इंक्रीज इन एवरेज एक्रीएस कैन इंक्रीज इल्ड भाई आपका यहाँ पे एक लाइन आता है जब खाने की कमी हुई थी उस समय आया था ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन में बेटा हाई बेटर इल्डिंग वैरायटी बनाई गई थी और डिजीज रजिस्ट्रेंट थी फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन पूछा जाएगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग बता देना क्या बता देना एनी बोरलॉग ये फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन थे और इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन थे वो थे एमएस स्वामीनाथन खेतीबाड़ी कब से की जा रही है 9000 से लेकर 11000 साल पहले तक ठीक है और डोमेस्टिकेशन किया गया ये सब दुनियादारी यहाँ से बिल्कुल मत पढ़ना छोड़ दो सब ये वाला पैरा ज़रा चाहो तो पढ़ सकते हो आप कि ब्रीडर अगर बेटा प्लांट में कौन से कैरेक्टर को डालना चाहेगा तो ये द फर्स्ट वी वुड लिस्ट वुड बी इंक्रीज क्रॉप एंड इम्प्रूव क्वालिटी फिर वही कहानी आ गई क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंक्रीज टॉलरेंस टू स्ट्रेसेस मान लो जैसे बहुत ज़्यादा सेलिनिटी कंडीशन है तो वहाँ पे पौधे अपने ग्रोथ नहीं दिखा पाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो सूखा पड़ गया हो इनसे क्या हो टॉलरेंस बढ़े ऐसे कंडीशन में भी पैदावार देते रहे रजिस्टेंट टू पैथोजन वायरस फंजाई बैक्टीरिया वगैरह अगर उनको अटैक करें तो उनको बीमारी ना लगे एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी ऑन अवर लिस्ट टू तो ये बेटा हमारा एम होगा कि हमारे पौधे में ये सब सारी चीजें होनी चाहिए अब इसी पर हम लोग ब्रीड बनाए हुए हैं अब यह हर बच्चा कहता है इससे बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को तो सिंपल सी बात है भाई वेरियबिलिटी ऑलवेज प्रेजेंट है आपके आसपास वाइल्ड कंडीशन में वेरियबिलिटी प्रेजेंट है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे वेरियबिलिटी को कलेक्ट करोगे कोई डिजीज रजिस्टेंट है कोई हाईल्डिंग है कोई पेस्ट रजिस्टेंट है हाँ? ऐसे अलग अलग वेरिएबिलिटी को आप कलेक्ट कर लिए तो जो वेरिएबिलिटी आपने कलेक्ट किया है इसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन ठीक है सिंपल सी बात तो कलेक्शन और वेरिएबिलिटी आपको ये याद करना होगा प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या क्या स्टेप लेते हैं पहला होगा पहले वेरिएबिलिटी तो कलेक्ट करो तो द इंटायर कलेक्शन चाहे प्लांट हो या सीड हो हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म collection. कलेक्शन तो किसी क्रॉप को देखा कि उसकी कुछ पौधे क्या थे बेटा डिजीज रेजिस्टेंट थे उसमें इंसेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे तुमने क्या किया उसके सीड को या उसी प्लांट को कलेक्ट करके रख लिया तुमने देखा उसी ब्रीड में उसी पौधों के कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें फंजाई नहीं लग रहा वायरस नहीं लग रहा है ऐसे वेरेबिलिटी आपने चूज करके रख लिया नीट दो हज़ार इसको बोलते बेटा जर्म कलेक्शन अब अवेलेबलिटी जो चूज किए है उसको रखे तो रहोगे नहीं उसको क्या करोगे अब उसको इवेल्युएट करोगे और जो आपको डिजायर्ड होगा उसको पकड़ोगे और क्रॉस करा दोगे इवेल्यूशन एंड सलेक्शन ऑफ पेरेंट तो जर्म प्लांट इज इवेल्युएटेड सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर तो मान लो आपको चाहिए था हाई यील्डिंग एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट तो आप क्या करोगे ऐसा प्लांट चूज करोगे जो ढेर सारे रखे थे उसमें से तो देखा कि भैया हाँ है देखो हमारे पास है ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है और ये देखो हाई हाईडिंग है तो दोनों को पकड़ के क्या करोगे क्रॉस करोगे द सेलेक्टेड प्लांट आर मल्टीप्लाइड एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड वेयर डिजायरेबल एंड पॉसिबल ठीक है तो भाई पैरेंट जो तुमने चूज किया हो सकता है कि भाई अगर उसको करेक्टर को स्टेबल रखना चाहते हो तो इन ब्रीडिंग करा के करेक्टर को क्या कर दो प्योर लाइन क्रिएट कर लो और फिर उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करो और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद सेलेक्टेड जो पेरेंट सेलेक्ट किया था उसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करो और उसकी जो भी प्रोजनी मिली है वो उसको फिर उसमें से सुपीरियर चूज करो फिर उसका क्रॉस फिर सुपीरियर फिर क्रॉस यही कहानी करते रहो यानी होमोजागेसिटी या प्योर लाइन हाइब्रिड का भी क्रिएट करते रहो अब भैया जो आपने हाइब्रिड का प्योर लाइन क्रिएट कर लिया है उसको क्या करो सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन टिल दे रीच अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी होमोजाइगोसिटी हाइब्रिड मान लो बीज है मान लो हो सकता है अगले जनरेशन में क्या हो जाए सेपरेट हो जाए इसको कई जनरेशन तक क्या करोगे बेटा आप इनब्रीडिंग करते रहोगे होमोजाइगोसिटी क्रिएट करते रहोगे इसके बाद यहीं पे नहीं रुकते ये सब काम कहाँ होता है लैब में होता है कानपुर में तो है कानपुर में बना हुआ है पूरा सी एस ए चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके देखोगे तो हर ब्रीड का पूरा वहाँ पे पूरा चार्ट बना के लिखा जाता है लैब में अगर सक्सेसफुल हो गया है फिर उसको इंडिया के अलग अलग एग्रीकल्चरल जोन क्लाइमेटिक जोन में भेज देंगे और कम से कम तीन साल तक उस पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि भैया देखो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इस कंडीशन में काम कर रहा है कि नहीं इस कंडीशन में काम कर रहा है कि नहीं जब ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इंडिया के हर क्लाइमेटिक जोन में ये सेम तीन साल तक अच्छा पैदावार दिया है तो उसको कमर्शलाइज़ कर दिया जाता है यानी इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है कि भैया लो हमने नया हाइब्रिड तैयार किया है इसको बो इसके गेहूं के दाने बड़े मोटे होते हैं प्रोटीन क्वालिटी ज़्यादा होती है और इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होती है यही किया जाता है ठीक है अगर मान लो हमने अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में क्या किया इसको टेस्टिंग किया और मान लो किसी क्लाइमेटिक जोन में उसने अच्छा से रिजल्ट नहीं दिया तो कमर्शलाइजेशन के समय यह ध्यान दिया जाएगा उस जोन में ना बेचा जाए ऐसे ही करते हैं तीन साल तक करते हैं कम से कम ऐसा नहीं कि एक साल किसानों को दे दिया और प्रोडक्टिविटी अच्छी है किसानों का कि भैया बहुत अच्छा पैदावार दे रहा है बेच दीजिए बेच दीजिए नहीं नहीं तो बेटा आपको ब्लैक वाला जो वर्ड थे वो ज़्यादा याद जन्म प्लाज कलेक्शन उसके बाद उसमें इवेल्युएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंट एंड क्रिएशन ऑफ प्योर लाइफ और, और उसके बाद उसका बेटा हम लोग क्या करेंगे टेस्टिंग करेंगे रिलीज करेंगे और कॉमर्शलाइजेशन करेंगे टूलैगर देख लेना वैसे मुझे नहीं लगता कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री एग्रीकल्चरल अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली थर्टी थ्री परसेंट ऑफ इंडियाज़ जी डी पी एंड एम्प्लॉयज नियरली सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ए लाइन बेटा बेटा डाटा बहुत पुराना है आप याद कर सकते हो इंडिया जी डी पी का थर्टी थ्री परसेंट कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है और बासठ परसेंट लोगों को इंप्लॉयमेंट दे रहा है रोजगार दे रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भाई हमारे पास एक चैलेंज था कि हम अपने पूरे जो इंडियन पीपुल हैं उसको कैसे इनफ फूड प्रोवाइड करें तो भाई कल्टीवेशन के लिए जो ज़्यादा जगह तो है नहीं थी जगह तो कम कम ही थी तो 1916 में बेटा व्हीट राइस मेज इन सब की किस्में नई नई बनाई गई थी ग्रीन रिवोल्यूशन में 2012 हज़ार बारह में आया है तो यहाँ पे देखो एक है सोनालिका देखो ये किसी एग्रीकल्चरल लैंड में उसका क्या किया जा रहा है टेस्टिंग करी जा, जा, जा रही है नाइनटीन सिक्सटी सेवन एच डी पंद्रह सौ तिरपन ऐसे देखो मटर की वैरायटी है यानी पुरानी समय की मटर में कम फलियाँ लगती होंगी इसमें देखो कितनी फलियाँ लगी हैं इतनी जगह में एक किलो से ज़्यादा मटर है अब बेटा ये पॉइंट आपको पूरा याद होना चाहिए कि वीट और राइस 1960 से 2000 में कितना गुना बढ़ गया था तो वीट बेटा आपका एलेवन मिलियन टन्स टू सेवेंटी फाइव मिलियन टन्स और राइस बेटा आपका थर्टी फाइव मिलियन टन्स टू एटी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन टन्स तो बेटा आपका डाटा ये याद होना चाहिए उन्नीस सौ साठ से लेकर दो हजार में देखो प्रोडक्शन कितना बढ़ गया एलेवन मिलियन टन सेवेंटी फाइव और थर्टी फाइव टू एटी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन टन्स ऊपर वाला डाटा बेटा आपका वीट का है नीचे वाला डाटा आपका राइस का है नॉबल लॉरियट नॉबल विजेता थे नॉर्मल ई बॉर्क काम कहाँ किए थे एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको इन्होंने बेटा सेमी डॉल्फ वैरायटी वीट का डेवलप किया था जिसका इम्प्रूव वैरायटी इंडिया में उन्नीस में जैसे कि सोनालिका एंड कल्याण सोना इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है कहाँ पे वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया और बेटा सेमी डॉल्स वरायटी ऑफ राइस एक था आई आर एट ये कहाँ बना था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपिन आई आर आर आई और एक था वैरायटी बेटा टाइचिंग नेटिव वन ये बना था ताइवान इसके जीन को लेके इसकी वैरायटी को लेके इंडिया में 1966 में बेटा बेटर सेमी डॉग वैरायटी जया एंड रत्ना इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में पूछा गया है. तो आपको ये पूछा जा सकता है जया और रत्ना किसकी वरायटी है सोनालिका कल्याण सोना का है इंडिया में वीट को कब इंट्रोड्यूस किया, किया गया सोनाली का और कल्याण सोना उन्नीस सौ तिरसठ जया और रत्ना कब किया गया तो बेटा उन्नीस सौ छियासठ वीट का प्रोडक्शन उन्नीस सौ साठ से लेकर दो हज़ार तक कितना बढ़ गया तो इलेवन मिलियन टन्स टू सेवेंटी फाइव मिलियन टन्स और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया था बेटा थर्टी फाइव टू एट्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन टन्स तो डेटा ये है आई आर आर आई पूछा जाएगा कहाँ की वरायटी आई आर एट तो बोलोगे आई आर आर आई फिलीपींस की है ताइचुंग नेटी वन पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे ताइवान की है तो ये तो बेटा डेटा है इसमें हम आपका कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक एक लाइन अभी याद करनी है इस पेज के। की शुगर कैन सुगर कैन की वैरायटी थी बेटा एक सैक्रम और एक था सैक्रम ऑफिसनरम तो देखो सैक्रम ऑफिस को अगर तुम ऐसो लिख दो तो ज़्यादा मजा आ जाएगा तो ऐसो से हो जाएगा बेटा सैक्रम ऑफिस और और से होता है साउथ इंडिया बोलो फिर से ऐसो से होता है सैक्रम ऑफिस और और से होता है साउथ इंडिया तो जाहिर सी बात है बेटा आपका साउथ इंडिया में कौन ग्रो किया जाएगा आपका सैक्रम ऑफिसिनरम और इसका स्टेम और शूगर कंटेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू सैक्रम बर्बेरी जो ग्रो किया जाता था नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया वाले लोगों ने कहा कि चलो यार जो साउथ इंडिया वाली वैरायटी है सैक्रम ऑफिसिनरम उठा के लाओ उसको ग्रो किया जाए लेकिन जब ऐसा किया तो ओ बेटा नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं किया आपका सैक्रम ऑफिसिनरम यानी उसके लिए वह नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेटिक जोन था वो उपयुक्त नहीं था सुटेबल नहीं था फिर दो स्पीसीज को क्रॉस करके एक नई वैरायटी बनाएगी जो नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो की जा सकती है तो बेटा आपको सैक्रम अफेसिनरा और बैरबेरी भी पूछा जा सकता है मिलेट्स हाइब्रिड मे ज्वारा बाजरा हैव आल्सो बीन डेवलप्ड इन इंडिया तो अलग अलग प्रकार के बेटा मिलेट में जो आपके मेज ज्वार और बाजरा आते हैं इसकी वैरायटी आपको नहीं बताई गई है यहाँ पे और ना पूछी जाएगी प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रजिस्टेंट तो कहते हैं अगर मान लीजिए आपकी मिल्क जैसे क्रॉप की इल्ड ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ज़्यादातर क्रॉप का लाश बीमारी होने से हो जाता है आपकी गेहूं की बालियां लग गई लेकिन उसमें बीमारी हो गई तो कहते हैं 20 से 30 परसेंट जो लॉस होता है क्रॉप का वो ड्यू टू बेटा डिजीज होता है इसलिए हमें ऐसे ब्रीड की जरूरत होती है जो डिजीज रेजिस्टेंट हो और सीधे आपको ये चार्ट याद होना चाहिए अलग अलग डिजीज के रेजिस्टेंस चाहिए बैक्टीरिया फंजाई वायरल जैसे वीट का देखो 2014 में पूछा जा चुका है वीट की ये देखो बेटा वैरायटी है और किस डिजीज से रजिस्टेंट है तो वीट की वैरायटी है हिमग्री और बेटा रेजिस्टेंट रजिस्टेंट टू है एल एस एच लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हेलबन डिजीज ब्रेसिका ब्रेसिका मतलब सरसों मस्टर्ड की बात कर रहे हैं पीली पीली सरसों पूसा स्वर्णिम कामन नाम था बेटा इसका करण राही अरे बेटा वाइट रस्ट से क्या था रेजिस्टेंट था कॉलीफ्लावर की वरायटी बेटा पूसा सुब्रा पूसा इस्नोबाल केवन और ये बीमारी से छुटकारा देते हैं ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट कॉलीफ्लावर मतलब गोभी की वरायटी काउपी पूसा कोमल कोमल मटर बैक्टीरियल ब्लाइट से है और मिर्ची बेटा सदाबहार होता है मतलब हमेशा इस्तेमाल होता है मिर्ची का तो इसी बोलते पूसा सदाबहार और इसमें बेटा वायरस होंगे चिली मोजक वायरस टोबैको मोजाक वायरस एंड लीफ कर्ल तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कम से कम इसको लिख के चिपका के रख दीजिए और यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है ठीक है 2014 में आया है अभी लेटेस्ट में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है आपका ध्यान रखना ये आपका डिजीज रजिस्टेंट वैरायटी का चार्ट है ठीक है म्यूटेशन कभी कभी हमने देखा है कि भाई जैसे देखो डिजीज रेजिस्टेंट तो वैरायटी हम लोग कैसे चूज कर देते हैं हमने देखा कि वाइल्ड में एक पौधा है जिसको कोई भी फंजाई बीमारी नहीं कर पा रहा है और हमारे पास जो पौधा उसकी इल्ड ज़्यादा है दोनों को कंबाइन कर दिया वही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करके किया गया था लेकिन कुछ पौधों में बेटा म्यूटेशन के जरिए भी आपने कई डिजीज से रजिस्टर किया तो जैसे गामा रेडिएशन यही आया था बेटा आपका दो में यही लाइन आई थी म्यूटेशनल ब्रीडिंग आया था बेटा आपका दो में तो देखो लाइन कहीं से भी आ सकता है तो इसलिए ये जो स्पेज का जो 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 इंपॉर्टेंट है हमेशा हम बताते हैं और देखो यही आया था दो में आपको याद होगा तो।, तो भाई म्यूटेशन में क्या होता है आर्टिफिशियली प्लांट में हम लोग क्या करते हैं रेडिएशन इंट्रोड्यूस करते हैं अब रेडिएशन के कारण हो सकता है कि कुछ में ऐसी प्रॉपर्टी दिख जाए जो डिजीज रेजिस्टेंट हो किसी से हमेशा नहीं मिलेगा लेकिन होने की संभावना है तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बेटा हम लोगों ने बनाया था मूंग बीन यानी मूंग बीन में हमने क्या किया म्यूटेशन के जरिए उसमें देखो क्या क्या पा गया रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर बाय म्यूटेशन तो म्यूटेशन में आता है म्यू और मूंग बीन में आता है म्यू तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि भैया म्यूटेशनल ब्रीडिंग मूंग बीन और किससे रजिस्टेंट है ये भी याद होना चाहिए येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू अब म्यूटेशन कैसे कॉज करते हैं तो हर बच्चा को याद रहता है यार रेडिएशन के जरिए अब बेटा कई वाइल्ड वराइटी में डिजीज़ रेजिस्टेंट तो होता है लेकिन उसकी जो बेटा क्वालिटी क्या होती है इल्ड होती है कम होती है लेकिन जो आपका डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है उसमें क्या होता इल्ड ज़्यादा होती है लेकिन उसमें डिजीज रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी कम होती है ऐसे एक भिंडी बनाई गई थी जो आपकी डोमेस्टिकेटेड प्लांट था उस जो भिंडी थी उसमें बेटा हमेशा क्या होता था इंसेक्ट लग जाते थे या उसमें डिजीज लग जाता था और जो वाइल्ड वैरायटी थी लेकिन उसकी ईल्ड कम थी लेकिन उसमें डिजीज नहीं लगता था तो बेटा इसी प्रकार से एक बनाया गया है डिजीज रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस इन भिंडी तो ये पूछा जाएगा प्रभानी क्रांति एवल मास्कस एस्कुलेंटस और इसको हम लोग बोलते थे प्रभाणी क्रांति क्यों क्योंकि उसमें भिंडी का बड़ा नुकसान होता था तो वाइल्ड स्पीसीज से ए येलो मजेक वायरस की जो डिजीज रजिस्टर प्रांति थी भिंडी की इसको ट्रांसफर करके बनाया गया था प्रभानी क्रांति तो ये पूरा लाइन अंडरलाइन करो यही क्वेश्चन आएगा प्रभाणी क्रांति एवल एवलमाटेस किससे रेजिस्टेंट है येलो मजैक वायरस नेक्स्ट अब बेटा यहां की जो लाइनें हैं यहां की लाइने को मैं आपको सजेस्ट करूंगा अलग से लिखने का अब बेटा जैसे कुछ क्रॉप में क्या होता है मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो जाते हैं या जा किसी किसी की कि पत्तियाँ हेरी हो जाती हैं तो उसको इंसेक्ट खाना पसंद नहीं करते किसी किसी का स्टेम क्या हो जाता है सॉलिड हो जाता है तो स्टेम साफ फ्लाई जो स्टेम को छेद करने वाले फ्लाई होते हैं उसको छेद नहीं कर पाते हैं किसी किसी में पत्तियों में नेक्टर नहीं होता है तो उसको इंसेक्ट खाना पसंद नहीं करते हैं अलग जगह अलग अलग है जैसे कि देखो हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट रजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट यानी रजिस्टेंट टू जेसिड इन कॉटन एंड सीरियल लीव बीटल इन वीट तो आपको अलग से लिखना होगा कि कॉटन की पत्तियां अगर हेरी हो जाए तो जेसिड उसको नहीं खाएंगे या वीट की पत्तियां अगर हेरी हो जाए तो सेरल लीव बीटल उसको खाना पसंद नहीं करेंगे तो अलग से लिखो इसको ट का स्टेम अगर सॉलिड हो जाए आपको पता है वीट मोनोकार्डे स्टेम कैसा होता है हालो होता है लेकिन हम लोग वैरायटी बनाए अगर सॉलिड स्टेम वाला तो नॉन प्रिफर्ड बाय स्टेम सॉफ्ट सॉफलाई स्टेम सॉफलाई उसको नहीं खाएगा यहां पर हमने हेरी पत्तियां देखी यहां पर देखो स्मूद लीव है लेकिन नेक्टरलेस कॉटन की वरायटी हो तो बेटा कॉटन बाल वर्म उसको नहीं खाएगा स्मूद लीव भी होना चाहिए और नेक्टरलेस होना चाहिए तो कॉटन बाल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर बेटा एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा हो नाइट्रोजन और सुगर कम हो तो मेज में बेटा जो मेज स्टेम को बोर करते थे उससे छुटकारा मिल जाएगा तो इस लाइन को तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से लिख के नहीं तो नहीं याद हो पाएगा क्योंकि अलग अलग प्रकार के एडाप्टेशन हैं केमिकल भी हैं और मार्फोलॉजिकल भी हैं क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कॉटन में जेसिड से रेजिस्टेंट के लिए क्या एडाप्टेशन हुआ तो कहोगे उसकी पत्तियां हेरी हो गई वीट में सरल लीप बीटल से एडाप्टेशन के लिए क्या हुआ पत्तियां हेरी हो गई कॉटन वर्म से रेजिस्टेंट के लिए कॉटन में क्या बदलाव हुआ तो कहोगे स्मूद लीफ एंड नेक्टर लिफ स्टेम मेज बोरर के लिए क्या था तो स्टेम में क्या था हाई स्पार्टिक एसिड लो सुगर एंड लो नाइट्रोजन ऐसे बताना होगा वीट को सॉफ्ट लाइने क्यों नहीं स्टेम सॉफ्ट लाइने क्यों नहीं छेद कर पाया कहोगे उसका स्टेम कैसा हो गया था सॉलिड स्टेम बोलिए जरा समझ में रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं बस ये इतना याद करो बस छोड़ दो बाकी अब आ जाओ याद टेबल पे अभी तक हमने डिजीज रजिस्टेंट देखा था अब बेटा जो इंसेक्ट पेस्ट है उसके लिए रजिस्टेंट है ब्रेसिका की एक और वैरायटी है पूसा गौरव वहाँ पे कौन सा पढ़ा था पूसा स्वर्णिम यहाँ पे कौन सा बेटा पूसा, पूसा गौरव और बेटा एफिड से रजिस्टेंट है वहाँ पर उसका नाम था करण राय जिसका नाम था रेप सीड मस्टर्ड फ्लैट बीन फ्लैटबीन बीन मतलब चमटी चमटी सेमियाँ होती हैं पूसा सेम टू सेम थ्री नाम याद आसानी से हो जा चुका है और इसको बेटा ऐसे लिख लो जैफ तो एफ जैफ सफ एफ मतलब एफिड जैफ मतलब जेसिड एसिड फ्रूट बोलो सफ मतलब सूट एंड फ्रूट बोलर ठीक है अब बेसिका बीन पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री ओकरा मतलब भिंडी पूसा सवानी पूसा ए फोर बी एफ ओ बी लिख लो चाहो तो ऐसे इसका हम ट्रिक कभी बनाते नहीं हैं हमको लगता है कि इसको एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा और लास्ट दिन एग्जाम में जाते पहले देख लेना ऑप्शन दिया रहता है निकल आएगा आंसर तो अफ जफ सफ अफ मतलब एफिड जफ मतलब जेसिड एफिड फ्रूट बोरर सब मतलब सूट एंड फ्रूट बोरन बी एफ ओ बी मतलब ब्रैसिका था पूसा गौरव एफ फ्लैट बीन पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री ओ ओकरा भिंडी सबाने पूछा ये ओर बहुत दिन बाद तुम्हारे सामने हमने कुछ कोशिश किया है वैसे मुझे लग रहा है ठीक है याद हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो इसमें तो अब जब सब बी एफ ओ बोलो फटाफट अब जब सब बी एफ ओ इतना सब होने के बावजूद भी बेटा 840 मिलियन से ज्यादा लोग वर्ल्ड में उनके पास पर्याप्त भूड नहीं है

अब उस समय आपको जो भी मिले मान रोट रूखी सूखी रोटी वगैरह जो भी ना आप खा लोगे लेकिन भाई आपका पेट तो भर गया लेकिन आपकी बॉडी को जो डिमांड है वाइटमिन न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स प्रोटीन्स क्या ये सब मिल रहा है हर किसी को नहीं हर किसी को नहीं मिल रहा है कुछ लोग तो क्या होते जंक फूड खा रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहा है पैसा होने के बाद भी किसी के पास तो पैसा नहीं है और किसी किसी के पास पैसा है तब भी नहीं ले पा रहा है वो तो इसमें हमको लगता है हिडन हंगर का शिकार हर कोई है जैसे आप लोग हॉस्टलर हो गए तो आप लोगों को क्या पर्याप्त जो न्यूट्रियट क्वालिटी वाला फूड है वो मिल रहा है नहीं हम खुद ही नहीं ले पा रहे हैं दे कैन नॉट एफर टू बाई इन फ्रूट वेजिटेबल लेग फिश एंड मीट ठीक है डाइट लैकिंग इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिय पार्टिकुलरली आयरन विटामिन आरडिन एंड जिंक इंक्रीज द रिस्क फॉर डिजीज़ रिड्यूस लाइफ स्पेन एंड रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज़ तो हर कोई बेटा एक प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर पाता है तो हिडन हंगर का शिकार है कुछ नहीं यार सेम टू और सेम थ्री अलग अलग वैरायटी है कोई हो सकता है जेसिड से हो तो कोई एफिड से हो कोई हो फ्रूट बोरर बायोफोर्टिफिकेशन देखो मैंने यानी इसको जब पढ़ाया होगा तो 2015 में मैंने बताया होगा यानी इसको मैंने बताया होगा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा 2021 में यहां से क्वेश्चन आया था यही लाइन 2015 के बाद 2021 में भी यही आया है तो ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ ठीक है ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग क्या क्या इंप्रूव करोगे बेटा प्रोटीन कंटेंट ऑयल कंटेंट वाइटामिन कंटेंट एंड माइक्रोन्यूट्रींट मिनरल कॉन्टेंट बेटा इस बार डिफिनेशन आ गया था बायो फोर्टिफिकेशन हालांकि जब भी मैं ये बोलता हूं तो मैं बताता हूं कई सारे वर्ड हैं जैसे बायो रेमेडिएशन बायो, बायो मैग्निफिकेशन ठीक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये सब टर्म आपको याद होने चाहिए 2000 में बेटा इन 2000 मेज की हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई थी जिसमें बेटा दोगुना अमीनो एसिड पाया जाता था लाइसिन एंड ठीक है ना लाइसिन ट्रिप्टोफार्म मेज में 2000 में वैरायटी बनाई गई थी इसका अमाउंट था ट्वाइस ठीक है एक वीट की वैरायटी थी एटलस सिक्सटी वो हाई प्रोटीन कंटेंट की थी और आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया गया था जो नॉर्मल राइस से पांच गुना ज़्यादा आयरन कंटेंट रखता था तो ये अलग अलग वैरायटी बनाई गई थी तो दो में मेस की लिटरी एटलस 66 और आयरन की बनाई गई थी बेटा अच्छा आयरन में तो एफ एफ होता होता आयरन फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है एफ ई तो एफी -E मतलब क्या हो गया बेटा आपका फाइव टाइम्स ज्यादा होगा आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू डेलही में है इन्होंने बेटा कई ऐसे क्रॉप बनाए हैं जो विटामिन और मिनरल एनरिच्ड हैं मतलब आप इनको खाइए आपको विटामिन और मिनरल सब मिलेगा अलग से लेने की जरूरत नहीं है जैसे विटामिन एनरिच्ड कैरेट स्पिनेच एंड पंपकिन बनाया गया था तो पंपकिन कैरेट स्पिनेच ए क्वालिटी तो आपने एक एग्जाम का नाम सुना होगा पीसीएस और पीसीएस एग्जाम बेटा आपका ए क्वालिटी का एग्जाम होता है यानी विटामिन ए एनरिस्ड पंपकिन कैरेट स्पिनेच दो कैरेट तो तुम जानते हो लेकिन स्पिनेच और पंपकिन नहीं पकड़ पाओगे विटामिन सी एनरिच्ड बताया गया तो बेटा गर्ड बथुआ मस्टर्ड एंड टोमेटो इसको लिख सकते हो आप बाबी मस्तों अब मस्त कैसे होते हो बेटा जब कोई खट्टा नुमा चीज खाने को मिलता है तो विटामिन सी कल माइक्रोब्स होगा तो बथुआ बिटरगार्ड मस्टर्ड टोमेटो विटामिन से इनरेस्ड ठीक है ना और फेका बास बथुआ स्पेनेच में क्या था आयरन एंड कैल्शियम आयरन कैल्शियम इन रिच थे स्पिनेच एंड बथुआ तो बेटा अब प्रोटीन में तो जितने भी बीन होते हैं वो तो आएंगे ही तो उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा आपको इन 2000 में मेज का लेसिन लाइसिन और ट्वाइस अमाउंट ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड था मेज हाइब्रिड में एटलस 66 में हाई प्रोटीन कंटेंट होता है आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया गया था जो नॉर्मल राइस की तुलना में पाँच गुना ज़्यादा आयरन रखता था पम्पकिंग कैरेट स्पिनेच इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू डेली में बनाया गया था विटामिन ए पाया जाता है बथुआ बेटरगार्ड मस्टर्ड टोमेटो विटामिन सी इन्स्ट होते हैं आयरन और कैल्शियम इन्ड होते हैं बथुआ एंड स्पिनेच ये सब तो बनाया गया लेकिन कहा गया इसके बावजूद भी लगता है कि प्रोटीन की कमी ज़्यादा होती है और हमको याद हो हमने आपको बताया था कि बॉडी में बेटा आपका अगर सेल बनाता है बॉडी और सेल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वाटर के बाद प्रोटीन का वाटर होता है सत्तर से नब्बे परसेंट प्रोटीन होता है दस से पंद्रह परसेंट तो अगर आपको अपनी बॉडी बिल्डअप करना है तो सेल चाहिए और सेल चाहिए तो भैया आपको प्रोटीन चाहिए तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर फेरल पल्सेज वेजिटेबल फ्रूट्स इट्स वी मे नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ फूड एट द रेट एट विच ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कहा गया कि अगर आप पारंपरिक तरीके से जैसे अनाज हो गया पल्सेज हो गया वेजिटेबल हो गया फ्रूट हो गया अगर इनको उगाते रहेंगे तो हो सकता है कि जिस दर से ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है एक समय ऐसा आए कि डिमांड पूरा ना हो सके ठीक है द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट आल्सो क्रिएट मोर डिमांड फॉर फेरन एज इट टेक थ्री टू टेन के जी ऑफ ग्रेन टू प्रोड्यूस वन के जी ऑफ मीट बाई एनिमल फार्मिंग और ये डिमांड और भी बढ़ गया कैसे जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन है अगर उसको एक के जी चिकन खा रहा है तो जानते हो एक के जी चिकन नहीं खा रहा तीन से दस के जी अनाज खा रहा है कैसे एक केजी चिकन ने अपने लाइफ में तीन से दस किलो अनाज खाया था भैया हमें अगर एक किलो चिकन खाना है तो तीन से दस के अनाज खर्चा करो ये भी तो डिमांड बढ़ाएगा ही कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ फूड चेन यस एनर्जी ट्रांसफर हर एवरी ट्रांसफर कितना होता 10 loss है टेन परसेंट लॉस है मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन ये अंडरलाइन करिए ये डेटा है आपका अभी वहाँ पे आता है एट फोर्टी मिलियन आपके थे इनएडिक्वेट फ्रूट था और बेटा आपका थ्री बिलियन से ज़्यादा हिडन हंगर था और यहाँ पर लिखा है कि पच्चीस परसेंट से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है जो सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन मतलब भूखमरी के शिकार है वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन ये बेटा मिस नॉमर है सिंगल सेल प्रोटीन बोलने का मतलब सिर्फ सिंगल सेल वाले नहीं होंगे और भी हो सकते हैं लेकिन ये पारंपरिक नहीं हुए अल्टरनेटिव सोर्स होंगे माइक्रोस में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी इस्पारोलिना कैन बी ग्रो इजीली ऑन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट कंटेनिंग स्ट्रॉच स्ट्रॉप भूस में मोलैस में एनिमल मैन्योर पे और इवन सीवेज में भी हम लोग इस को ग्रो कर सकते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज अ फूड इन रिच इन प्रोटीन मिनरल फैट कार्बोहाइड्रेट एंड वाइटामिन और इस पारोलिना में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है फैट भी होता है कार्बोहाइड्रेट भी होता है मिनरल्स भी होते हैं वाइटामस भी होता है और इसको ग्रो करने के लिए हमें कोई अलग से जगह की जरूरत नहीं है गंदगी में भी ग्रो कर सकते हो सीवेज में भी ग्रो कर सकते हो खाद पे ग्रो कर सकते हो कचड़े में ग्रो कर सकते हो हाँ कर देंगे भाई तो लगता है कि भाई ये तो आसान है यार इसमें तो मेहनत भी नहीं करना है इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और भाई अगर ये बैच कर रहा होगा तो पॉल्यूशन भी क्या कर रहा होगा कम कर रहा होगा ये आया था बेटा 2012 में इस पारुलिना का टेबलेट आते हैं पता है मिलते हैं मार्केट में पैकेट के में भी मिलते हैं बहुत लोग खाते हैं हमने तो खाया है आगे बढ़ते हैं सर्टेन बैक्टीरियल स्पिसज लाइक मिथाइलोफिलस मिथैलोट्रोपस कुछ बैक्टीरिया की स्पेसीज हैं जैसे कि मिथाइलोफिलस मिथैलोट्रोपस बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 फाइव टन्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं यहाँ पे एक डेटा लिखा गया था जिसको हटा दिया गया है कहा गया कि इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनाता है कि कहते हैं अगर ढाई ग्राम इस बैक्टीरिया का आप लीजिए और 250 ग्राम से कितना बना लेगा बेटा आपका 25 टन प्रोटीन बना लेगा ठीक है अभी तुरंत करवा देते हैं ठीक है एडेबल मशरूम इस समय बेटा धीरे 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 लोगों में चलन आ गया है मशरूम खाने का अब मशरूम ग्रो करने के लिए भी आपको पता है एक जबरदस्त आपको सिखाया जाता है इंडस्ट्री का एक बड़ा अच्छा लेकिन ये भी अभी महंगाई मिल रहा है सस्ता मिलना चाहिए लेकिन महंगा मिल रहा है पहले तो लोग इसको पूछते नहीं थे कहते थे अरे कौन खाएगा गांव वाले तो बोलते तो कुकर मुत्ता बोलते हैं उनको मालूम होता तो तो था जहाँ पे डॉगी वगैरह टॉयलेट करते हैं वहीं पे ये ग्रो करता है क्योंकि वो गांव वाला मशरूम होता है वो फंजाई है भैया वो खाएगा मतलब जहर होता है मर जाओगे इसको ये अलग है ये अगर कैसे क्योंकि सारे फनजाई एडेबल नहीं होते तो लोग उसको यही समझते थे लेकिन खाते नहीं थे लेकिन अब धीरे 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 एक कल्चर में आ चुका है लोग खाना इस्तेमाल कर चुके हैं इसका राइट हाँ तो अगैरकस भी यूज कर और अगेरकस बेटा आपका बैसेडियो का मेम्बर है मल्टी सेलर है इसलिए सिंगल सेल प्रोटीन बोलना मिस कहलाता है लेकिन याद कर लेना वहाँ पे मिथालोफिलस मिथालोट्रोपस एंड इस्पायर लेना अब आता है बेटा टिश्यू कल्चर अब आपको टिश्यू कल्चर के जरिए देखो अगर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराओ फिर उसके फिर बच्चे आए सीड आए फिर उसको बो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था आपने एक हाइब्रिड प्लांट बनाया अब उस हाइब्रिड प्लांट से आप बेटा हजारों पौधे कम समय में बना सकते हो इस मेथोडोलॉजी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर फायदा क्या हुआ आपका हाइब्रिड जो प्लांट था उस प्लांट का आपने कोई पार्ट ले लिया मान लीजिए उसकी लीफ ले लिया पत्तियां ले लिया जो पत्तियां लिया है उसको बोलेंगे एक्स प्लांट उस प्लांट का पार्ट था लेकिन अब एक्स हो गया है समझ में आया अरे जैसे मान लो कोई कहीं काम करता है उसका हिस्सा रहता है जब उससे टूट के अलग होता है तो क्या बोलते हैं एक्स सर्विसमैन एक्स फलाने तो एक्स प्लांट कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है प्लांट का ही हिस्सा था अब उससे टूट के अलग हो गया है एक्स प्लांट लगता है बड़ा बहुत लंबी लाइन है एक्स प्लांट ना है कुछ नहीं ना हाँ तो एक्स प्लांट कहलाएगा क्यों कहलाएगा भाई पहले प्लांट का हिस्सा था अब नहीं है और क्या कोई भी ले लो अब बेटा एक्स प्लांट को हम लोग एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं तो जब कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे तो जो सेल होते हैं उसके डिफ्रेंशिएट होकर अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लेते हैं जिसका नाम होता तो है कैलस कैलस न्यूट्रिएंट मीडियम भैया इंपॉर्टेंट है स्टराइल मीडियम होना चाहिए और प्रॉपर उसमें शुगर कंटेंट मिनरल सब कुछ होना चाहिए शुगर सोलूशन वगैरह अच्छे से होना चाहिए फिर उसके बाद जब कैलस बन जाएगा मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बन जाएगा तो उसमें बेटा हम लोग हार्मोन मिलाते हैं ऑक्जीजन एंड साइटोकानिन ऑक्जिन से रूट इनिशिएशन हो जाएगा साइटोकानिन से सूट इनिशिएशन हो जाएगा और ढेर सारे छोटे 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 पौधे बनेंगे अब उनको अलग करके एक, -एक टेस्ट ट्यूब में रख देंगे और वहाँ से नया पौधा तैयार कर देंगे तो कहते हैं टिश्यू लेवल पर कल्चर किया गया है और इसमें छोटे से छोटे चीज़ों का प्रोपेगेशन किया गया तो इसलिए इसको टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम बोल देते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन ठीक है तो इसका फायदा क्या रहा सबसे बड़ा फायदा रहा कि कम समय में ज़्यादा पौधे बनाए गए और एक फ़ायदा और रहा कि जो क्वालिटी आपका पेरेंट प्लांट का था सेम क्वालिटी का आपने ढेर सारे प्लांट बना लिए क्योंकि टिश्यू कल्चर में आपने कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया है कोई वेरिएशन नहीं आएगा सब कैसे होंगे क्लोन होंगे नहीं भैया कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा सीधे बोलने अच्छा ये कैसे पॉसिबल हो गया ऐसा लगता है तो फिर हम कहते ले भैया हमारी उंगली काटो लेके जाओ नया दस बारह मनीष बना के लेके आओ हमारे में नहीं पॉसिबल है क्यों क्योंकि आपको पता है प्लांट में एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनाने की क्षमता होती है इसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी यानी उसमें रिजनरेशन की क्षमता अच्छी है टोटी पोटेंसी है हमारे में वो टोटी पोटेंसी नहीं पाई जाती टिश्यू कल्चर, हाइबरलैंड याद कर सकते हो एक्सप्लांट एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्ट्राइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिय मीडिया स्ट्राइल कंडीशन होना चाहिए और न्यूट्रीन मीडिया स्पेशल होना चाहिए दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी यू वी लर्न हाउ टू एकिस इन दिस हायर क्लासेस इसमें कौन सा न्यूट्रिय मीडियम क्या क्या लेते हैं ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे 2015 हजार पंद्रह कैंसल्ड में आया था बटाएं ये आपका टिश्यू कल्चर क्या हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेलर लेवल पर काम हो रहा है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं और हर प्लांट बेटा अपने पप्पा से जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोज सोमा मतलब बॉडी क्लोज मतलब एक दूसरे के जैसे तो भाई टिश्यू लेवल पर है सेल लेवल पर है सेल ही आगे चल के बनाए जा रहे हैं तो इसमें तो वेरिएशन कहाँ आएगा इसी प्रकार हमने टोमेटो बनाना एप्पल वगैरह बनाया है याद करने की ज़रूरत नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है अब लेबोरेटरी चलो तो तुमको दिखाएं कैसे होता है अब बेटा ये लाइन बड़ा अच्छा आया था क्वेश्चन 2014-2012 में आया हुआ है क्या है क्वेश्चन कहा गया है कि मान लो जैसे एक पौधा था आपके पास उसकी क्वालिटी फ्रूट की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छा था आप बड़ा मज़ेदार से खा रहे थे अचानक से आपके पौधे को बीमारी लग गई आप टेंशन में आ जाओगे कि यार मेरे पौधे को जो वायरस लग गया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया वायरस लग गया अब मैं क्या करूँ मेरा पौधा तो मर जाएगा अब मेरे पास कैसे इस क्वालिटी वाला पौधा मिलेगा तो इसके लिए भी बेटा आपका टिश्यू कल्चर इम्पॉर्टेंट है कहा यह जाता है कि जो पौधों के मेस्टमेटिक सेल्स होते हैं उसमें वायरस मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं तो वायरस उसमें नहीं पहुंच पाएगा यानी जो मेस्टमेटिक सेल्स हैं वो अभी भी वायरस फ्री हैं तो क्या करो मेस्टम को उठाओ उसका कल्चर कर दो तो अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ द हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट यानी बीमार पौधे से स्वस्थ पौधा बनाने का भी मेथड है टिश्यू कल्चर लेकिन यहाँ पे हम लोग मेस्टम का कल्चर करते हैं क्योंकि मेरिस्टम में वायरस वगैरह जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते हैं और मेरिस्टम में बेटा आपका एपिकल या एग्जेरी दोनों मेरिस्टम आएंगे हैंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑप्टेन वायरस फ्री प्लांट और मेरिस्टम कल्चर बेटा एपिकल मेरिस्टम और एक्जरी मेरिस्टम दोनों यूज कर सकते हैं एपिकल मेरिस्टम में बेटा आपका सूट एपिकल मेरिस्टम आता है और रूट एपिकल मेरिस्टम आता है अगर दोनों में से राम और शाम में से आपको एक को प्रेफर करना हो तो आप सूट एपिकल मेरिस्टम को प्रेफर कर सकते हैं दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आकर आपको प्रेफर करना है तो सूट एपिकल मेरिस्टम को आप प्रेफर कर सकते हो अब बेटा एक चीज और आई कि हमने कहा कि हमने तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया है क्यों ना करें ऐसा कि दो प्लांट के सेल को ले और उसको फ्यूज कर दे कहा कि यस किया जा सकता है तो क्या करेंगे दो प्लांट के सेल को लिया जाएगा अब ये दो प्लांट के सेल में क्या होता है आउटर मोस्ट बाउंड्री सेलवाल होती है तो सेलवाल को हटा देंगे सेलवाल को रिमूव करने वाला प्लांट का जो भी पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं सोमैटिक सेल का हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या बोलोगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और जो इससे बनेंगे उसको क्या बोलते हैं बेटा सोमैटिक हाइब्रिड और याद रखना सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में अगर प्लांट सेल लिया गया है तो सेलवाल को हटाओगे और सेलवाल हटाने के बाद जो भी पार्ट बचता है उसको बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लास्ट एक्चुअली देखो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है अब प्रोटोप्लाज के चारों तरफ अगर सेल मेंब्रेन है उसको भी जोड़ दो तो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा ठीक है अब प्लांट में आउटर मोस्ट बावरी भी क्या थी उसका सेलवाल थी तो सेलवाल हटाओगे तभी आपका प्रोटोप्लास्ट बनेगा यानी प्रोटोप्लास्ट में आपका सेल मेंब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों आता है अब प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाला प्लाज्म दोनों आता है तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से बनाया सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से एक पोटैटो और टोमेटो के सेल को हमने फ्यूज करा के बनाया था पोमेटो यानी पोटैटो और टोमेटो दोनों मिल गए करेक्टर अब पोटैटो होता है नीचे टोमेटो होता है ऊपर यानी ऐसा पौधा बन गया कि नीचे आलू ऊपर टमाटर मजा ही मजा ऐसे नहीं तो आपको दो खेतों में एक खेत में आलू बोना पड़ता एक खेत में टमाटर यहाँ तो बेटा बड़ा आसान हो गया कि एक ही खेत में आलू और टमाटर दोनों मिल गया लेकिन आपको पता है ऐसा चीज़ देखने को आपको नहीं मिलेगा यानी कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी होगी गड़बड़ी है कि इसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट थे या जो भी डिजायर कॉम्बिनेशन थे सारे नहीं आए थे ठीक है इस वजह से इसका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ऐसे ब्रोमैटो बनाया गया है ब्रिंजल और टोमेटो एक ही पौधे पे तो प्रोटोप्लास फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से किया गया है बेटा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए एक टर्म लिख लो यूज किया जाता है पीईजी एन एंड नाइट्रेट पॉलीथाइलिन ग्लाइकल और नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्यूजन तो बेटा ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है हमने एक एक लाइन पढ़ दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ दिया अब आपके पास क्या बचता है जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उसको तो आप शॉर्ट नोट बना के पढ़ डालिए क्योंकि ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो नहीं है चीज़ें लेकिन रटनी है ठीक है तो जो बच्चे नए हैं वो लाइक करें प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम इवोल्यूशन यही दीपू कॉपी करके भेज दो चैट बॉक्स में अभी तुरंत भेज रहे हैं आपको हाँ ब्रोमेटो भी होता है तो लाइक तो मार दो भाई कम से कम तो थैंक यू सो मच आशा करते हैं चैप्टर आपका हालांकि डाउट वाला चैप्टर नहीं रहता है लेकिन इसमें याद ही करना है भाई ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर कल फिर बेटा बेटना कल का चैप्टर छोटा है लेकिन बढ़िया है जल्दी खत्म होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर थैंक यू चंद्रमोहन बाय बाय टेक केयर हाँ बोलो अशोक जी बोलो भाई